नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोग का चहल अकेडमी में बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सी साइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जिसमें मैंने दो चैप्टर के क्वेश्चंस करवा दिए पहला चैप्टर मैंने आपको परसेंटेज करवा दिया और सेकंड चैप्टर मैंने आपको टाइम एंड वर्क करवा दिया आज की क्लास में हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस लास्ट फिफ्टीन ईयर में ए, सी में जितने भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम आज की क्लास में बच्चे डिस्कस करेंगे आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो यह है देखिए आज की क्लास का बेटा जो पहला क्वेश्चन है ये यूपीएससी ने सी के पेपर में 2022 में पूछा है कब पूछा गया है भाई 2022 में पूछा था यूपीएससी ने सी साइट के पेपर में पूछा गया था और बहुत ही अच्छा प्रश्न है देखिए ध्यान से ऑन द साइड ऑफ अ 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड एक रोड है जो 1.01 किलोमीटर लंबी है रोड की जो लंबाई है बेटा वो कितनी है हम मान सकते हैं ये एक रोड है बेटा ये 1.01 किलोमीटर क्या है? लंबी है मुझे लगता है यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आगे बोला गया 101 यानी 101। 101 प्लांट्स आर प्लांटेड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर वट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन फाइव कंजूक्यूटिव प्लांट्स बोला गया है कि ये जो पूरी हमारे पास रोड है बेटा ये जो पूरी रोड है ना इसमें क्या किया गया 101 प्लांट्स को लगाया गया है कितने प्लांट्स को लगाया गया 101 जैसे वन पहला लगाया गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे ऐसे प्लांट्स हमारे पास क्या कर दिए गए लगा दिए गए हैं ठीक है ना और टोटल प्लांट्स कितने लगा दिए गए हैं 101 प्लांट्स ऐसे डाट डाट करके हमने टोटल प्लांट्स कितने लगा दिए 101 प्लांट्स बेटा लगा दिए अच्छा एक बार बताओ बच्चे जब मैंने दो प्लांट्स लगाया यहाँ पे मान लो तो ये फर्स्ट है और ये हमारे पास सेकंड जब बच्चे मैंने दो प्लांट्स लगाया तो हमारे पास गैप कितना मिला आप बोलोगे सर एक गैप मिला जब हमने थ्री प्लांट्स लगाए तो कितना गैप मिला टू का गैप मिलेगा जब फोर हमने लगाया प्लांट्स तो कितना गैप मिलेगा थ्री का गैप मिलेगा और जब हमारे पास लास्ट में वन जीरो वन प्लांट्स हमने लगाया तो टोटल गैप हमारे पास कितना हो जाएगा हंड्रेड गैप हो जाएगा तो हम लोग पहले गैप की बात करेंगे टोटल गैप बेटा कितना हो जाएगा आपका हंड्रेड गैप हो जाएगा

क्या जानते हो सर एक किलोमीटर में हमारे पास कितने मीटर होते हैं एक हजार मीटर होते हैं तो हमने क्या कर दिया बेटा इसको एक हजार से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास एक हजार से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा वन जीरो वन जीरो हमारे पास किसमें चेंज हो गया बेटा मीटर में चेंज हो गया मुझे लगता है इसमें तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है यानी वन जीरो वन जो किलोमीटर था इसको मैंने किस में चेंज कर दिया मीटर में चेंज कर दिया तो हमारे पास टोटल मीटर कितना आ गया वन जीरो वन जीरो इसका मतलब ये जो टोटल रोड है ये जो रोड है बेटा ये जो रोड है ये कितनी मीटर लंबी है आप बोलोगे सर एक हज़ार दस मीटर लंबी रोड है आगे की बात करते हैं अब देखो ध्यान से मैंने बोला इसमें हमें लगाना है क्या प्लांट लगाना है कितने लगा क्या लगाना है भाई प्लांट लगाना है देखो टोटल प्लांट कितने लगाने हैं हमारे पास टोटल प्लांट कितने लगाने हैं हमारे पास 101 प्लांट लगाना है और एक जो प्लांट है वो कितना गैप लेता है आप बोलो सॉरी जो हमारे पास टोटल प्लांट कितने लगाने एक सौ प्लांट लगाने हैं टोटल गैप कितना मिल गया हमारे पास हंड्रेड गैप मिल गया तो हम एक काम कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं काम करेंगे क्या ये हमारे पास जो वन जीरो वन जीरो है तो हमने अगर टोटल गैप से इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि जो ईच गैप है वो कितना मीटर लेता है जो ईच गैप है वो कितना मीटर लेता है बेटा इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा क्या टेन क्या मिल जाएगा हमारे पास टेन मिल जाएगा किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी हु� देखो ध्यान से यह हमारे पास क्या हो गया जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और यह हमारे पास कितना हो जाएगा टेन पॉइंट वन हो जाएगा अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो प्लीज़ बताइए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आगे बोलते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन फाइव कंजूटिव प्लांट्स टोटल हमारे पास प्लांट कितने लगाए गए फाइव प्लांट्स लगाए गए और मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी प्लांट्स लगा रहे हैं बेटा गैप उससे क्या आएगा एक कम गैप आएगा गैप क्या आएगा एक कम आएगा तो हमारे पास अगर पाँच प्लांट लगाए गए तो गैप टोटल कितने हो जाएंगे फोर और जो ईच गैप है वो कितना मीटर हमारे पास लेता है टेन पॉइंट वन क्या टेन पॉइंट वन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमने तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये फोर्टी पॉइंट फोर मीटर यही आपके क्वेश्चन का क्या है बेटा करेक्ट जवाब है फोर्टी पॉइंट फोर मीटर बेटा ऑप्शन नंबर जो बी है ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का क्या बिल्कुल करेक्ट जवाब देखो एक बार मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं ध्यान से सुनिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि जो हमारे पास रोड है वो रोड लंबी है कितनी 1.01 किलोमीटर लंबी है 1.01 किलोमीटर बेटा रोड लंबी है अगर 1.01 किलोमीटर लंबी है तो इसको हम लोग क्या करेंगे मीटर में सबसे पहले चेंज करेंगे और आप जानते हो सर एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है एक हजार मीटर होता है सो हमने क्या कर दिया इसमें मल्टीप्लाई कर दिया किससे बेटा 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया टोटल रोड की जो लंबाई आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई मीटर आ गई मैंने बोला टोटल हमने प्लांट्स कितने लगाए प्लांट लगा दिए तो जब एक सौ एक प्लांट लगा दिए तो गैप कितना बन जाएगा आप बोलोगे सर हंड्रेड से इसको डिवाइड कर दिया तो ईच गैप आ जाएगा कितने मीटर का है टेन पॉइंट वन मीटर का है और चूंकि पांच प्लांट की बात किया गया है तो पांच प्लांट में कितने गैप बनेंगे चार बनेंगे चार से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट आंसर आ गया मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये वाला जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में पूछा था 2022 में पूछा था कब पूछा था बेटा 2022 में पूछा था ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्लास नोट्स में पढ़ चुके हैं क्लास नोट्स में ऐसे क्वेश्चन आपको कराया गया है देखिए ध्यान से बोला जाएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन है जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है पहले आपको देखना है यार क्वेश्चन कह क्या रहा है तो एक बार बहुत क्वेश्चन को बहुत इतमान से पढ़ते हैं बहुत ही आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़ोगे आसानी से पढ़ोगे उसके बाद में फिर क्वेश्चन क्योंकि सिक्साइड में टाइम प्रॉपर मिलता है आपको परेशान नहीं होना कि टाइम जा रहा है टाइम जा रहा है जो क्वेश्चन है कम से कम उस क्वेश्चन को जो आएगा उसको ठीक से तो सॉल्व करो क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़ते हैं बोला गया है एक्स एंड वाई रन थ्री किलोमीटर रेस एलोंग अ सर्कुलर कोर्स ऑफ लेंथ थ्री मीटर दियर स्पीड आर इन द रेशियो थ्री रेशियो टू उनकी जो स्पीड है वो कितनी है थ्री रेशियो देखो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है इसकी जो बेटा टोटल लंबाई है वो हमारे पास कितना है ये जो रेस हो रहा है वो कितने किलोमीटर की हो रही है जल्दी बताओ टोटल रेस कितने किलोमीटर की हो रही है थ्री किलोमीटर की हो रही है बेटा कितने की हो रही है थ्री किलोमीटर की हो रही है टोटल रेस कितने की हो रही है थ्री किलोमीटर की हो रही है और आप जानते हो सर एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमारे पास आप बोलोगे सर एक हजार मीटर होते हैं तो थ्री किलोमीटर में क्या हो जाएगा जल्दी बताओ हो थाौन थाौन ये हो जाएगा थ्री इंटू वन थाउजेंट यह बन जाएगा कितना हमारे पास टोटल जो रेस हो रही है बच्चे को किस की हो रही है थ्री थाउजेंट मीटर की हो रही है तो टोटल जो रेस हो रही है हमारे पास वो किसकी हो रही है थ्री थाउजेंड मीटर की हो रही है आगे बोला गया है इफ दे स्टार्ट टूगेदर इन द सेम डायरेक्शन हम दोनों जो दोनों जो, जो, जो एक्स और वाई हैं जो रेस स्टार्ट करते हैं वो कौन सी डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं बेटा सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं रेगुलर क्लास में मैंने जब आपको कंसेप्ट वाली क्लास पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते मतलब जब दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो होती है वो बेटा क्या हो जाती है हमेशा सबस्टेट हो जाती है और जब दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन में जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है हमेशा ऐड हो जाती है अच्छा यहाँ पे देखो उनके जो स्पीड का बच्चे जो रेशियो दिया गया है वो स्पीड का रेशियो कितना दिया गया है थ्री रेशियो टू दिया गया है स्पीड का रेशियो कितना दिया गया है थ्री रेशियो टू दिया गया है यानी हमारे पास x का मान लेते हैं थ्री तो y का कितना हो जाएगा हमारे पास टू हो जाएगा तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं सर कि थ्री मीटर पर सेकंड कह सकते हैं क्या बोल सकता हूं मैं थ्री मीटर पर सेकंड बोल सकता हूं क्योंकि हमारे पास इसको मैंने किस में चेंज कर लिया है मीटर में चेंज कर लिया तो मैं मानूंगा कि सर ये क्या है हमारे पास थ्री मीटर पर सेकंड ऐसा मान सकता हूं अच्छा एक बात बताओ अगर ये हमारे पास थ्री थाउजेंड है तो इसको अगर मैं थ्री से डिवाइड कर दूंगा यानी थ्री मीटर पर सेकेंड से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है और ये हमारे पास स्पीड है

टोटल हमारे पास जो मिनट है वो हमारे पास टोटल मिनट कितना है हमारे पास बोलो जल्दी से वन थाउजेंड मिनट है और अगर हमारे पास इसकी स्पीड कितनी है देखो यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इसको थ्री थाउजेंड को थ्री मीटर से तो वन थाउजेंड आ गया वन थाउजेंड क्या आ गया है टोटल सेकेंड वन थाउजेंड क्या आ गया है हमारे पास टोटल सेकेंड आ गया है और ये हमारे पास ये थ्री हंड्रेड है इसको अगर हम लोग वन थाउजेंड से डिवाइड करेंगे इसको अगर हम लोग वन थाउजेंड से बेटा डिवाइड करेंगे अगर इसको हम लोग वन थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा जल्दी बताओ ये पूरा पूरा कटेगा नहीं लेकिन राउंड फिगर में कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं थ्री हंड्रेड कहा कितनी बार जाएगा आप बोलोगे सबसे पहले थ्री हंड्रेड जाएगा उसके बाद अगली बार कब क्रॉस करेगा सिक्स हंड्रेड पर क्रॉस करेगा अगली बार कब क्रॉस करेगा नाइन हंड्रेड पर क्रॉस करेगा तो टोटल जो हमारे पास वो उसको पास कर जाएगी वो कितनी बार क्रॉस कर जाएगी तीन बार पास कर जाएगी कितनी बार पास कर जाएगी बेटा तीन बार पास कर जाएगी तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास क्या है बी ऑप्शन यानी सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट जवाब है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है बस क्या है थोड़ा सा बच्चे परेशान हो गए थे इस क्वेश्चन को देख करके कि ये सब थोड़ा सा बहुत बड़ा क्वेश्चन देखो यूपीएससी ने सीसाइड के पेपर में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आसान सा प्रश्न देखो हम लोग करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में बोला गया है अ पर्सन एक्स फ्रॉम अ प्लेस ए एंड अनदर पर्सन वाई फ्रॉम प्लेस बी ये हमारे पास पर्सन ए है और ये पर्सन क्या है बेटा बी है ये हमने बोल दिया कि ये x है और ये क्या है हमारे पास y है मैंने बोला अ पर्सन x फ्राम अ प्लेस A, ये प्लेस हमारे पास A है इससे कौन स्टार्ट किया x कोई पर्सन है और यहाँ पे हमारे पास B है y स्टार्ट किया देखो आगे बोला गया है सेम टाइम टू वाक टूअर्स टू ईच अदर एक दूसरे की तरफ वो लोग बेटा चलना स्टार्ट करते हैं किसकी तरफ चलना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं द प्लेसेज आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर जो इसकी टोटल डिस्टेंस दिया गया है ना ये टोटल डिस्टेंस बेटा कितना दिया गया है हमारे पास 15 किलोमीटर ये जो टोटल डिस्टेंस दिया गया है ना एक्स और वाई के बीच की जो बच्चे डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है एक्स और वाई के बीच की जो डिस्टेंस दिया गया है हमारे पास वो कितनी दी गई है फिफ्टीन किलोमीटर ये हमारे क्वेश्चन में गिवेन है आगे की बात करते हैं बोला गया है एक्स वाक विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ वन पॉइंट फाइव किलोमीटर पर आर एंड वाई वाक्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ वन किलोमीटर पर आर इन द फर्स्ट आर विद द यूनिफॉर्म स्पीड देखो जो हमारे पास ए है ए चलता है किस स्पीड से आप बोलो जल्दी से ए चलता है बेटा हमारे पास वन पॉइंट फाइव किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलता है और जो बी है बी के बारे में बोला गया कि बी पहली बार में एक किलोमीटर चला पहली बार में कितना चला वो एक किलोमीटर चला यानी एक किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाता है सेकेंड टाइम में वो क्या कर दिया वन पॉइंट टू फाइव की स्पीड से जाता है थर्ड टाइम में फिर से वन पॉइंट टू फाइव बढ़ गया तो हमारे पास कितना हो जाएगा वन पॉइंट फाइव जीरो हो गया अगली बार में वन पॉइंट सेवन फाइव हो जाएगा उससे अगली बार में अगर जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा टू पॉइंट जीरो हो जाएगा इस तरीके से जाएगा यहाँ पर ये क्या करता है ये वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव ऐसे जाएगा यहाँ पर देखो जो पहला वाला है यानी जो ए है ए के बारे में बोला गया ए ट्रेवल विद यूनिफॉर्म स्पीड यानी उसकी यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास कितना है 1.5 किलोमीटर पर आर है वो उसी स्पीड से जाता है बट जो बी है उसके लिए बोला गया है कि बी पहली बार में एक किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाता है सेकंड टाइम में उसने क्या कर दिया अपनी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया कितना और पॉइंट टू फाइव अगेन पॉइंट टू फाइव इंक्रीज कर दिया अगेन पॉइंट टू फाइव इंक्रीज कर दिया ऐसे ऐसे वो लोग इंक्रीज करते जाते हैं ध्यान से सुनो इसके बाद में बोला गया है कि वो दोनों कितनी बार कब मिलेंगे और कितने घंटे में मिलेंगी वो कब कितने घंटे में मिलेंगी देखो ये चीज़ पूछा गया है अब आगे की बात करते हैं हम लोग ध्यान से सुनो इसके बाद में हमें क्या करना होगा मैंने बोला ये 1.5 किलोमीटर पहली बार में चला गया यानी पहले मिनट में फिर दूसरे मिनट में फिर तीसरे मिनट में फिर चौथे मिनट में ऐसे हम लोग चलेंगे यानी हम ये कह सकते हैं पहले मिनट में अगर जाएगा देखो एग्ज़ाम में जब जाओगे आप तो हो सकता है ये मिनट में जाए हो सकता है आर्ट्स में जाए तो अगर मिनट में जाएगा तो आप बोलोगे सर मिनट में जा रहा है अगर आर्स में जाएगा तो आप बोलोगे हमेशा आर्स में जाता है कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ते हैं यहां से बेटा अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास कितना वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव हमारे पास कितनी बार वन टू थ्री फोर फाइव ये हो गया हमारे पास सेवन पॉइंट फाइव 7.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो चुकी है अच्छा इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा देखो ध्यान से ये हो गया 25, 25 और ए, ये हो गया 25 और 75 फाइव मिल करके कितना हुआ वन और ये हमारे पास कितना हो गया 1.5 पॉइंट फाइव अब यहाँ पर देखो 1.5 हो गया ना देखो कैसे ऐड करते हैं बेटा टू फाइव पॉइंट टू फाइव और पॉइंट सेवन फाइव दैट इज वन और यहाँ पर कितना हो गया पॉइंट फाइव जीरो तो ये हमारे पास कितना हो गया वन पॉइंट फाइव जीरो ठीक है आगे की बात करते हैं टू और वन थ्री थ्री और वन फोर फोर और वन फाइव फाइव और वन कितना हो गया सिक्स सिक्स में हमने कितना ऐड कर दिया वन पॉइंट फाइव तो हमारे पास अगेन कितना यह सेवन पॉइंट फाइव हो जाएगा ये सेवन पॉइंट फाइव इनका है टोटल डिस्टेंस सेवन पॉइंट फाइव एंड सेवन पॉइंट फाइव हमारे पास कितना हो जाएगा फिफ्टीन टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा फिफ्टीन और आप जानते हो कि सर जब कभी भी हमारे पास दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं क्या करते हैं बच्चे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है वो रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या हो जाती है जुड़ जाती है रिलेटिव स्पीड क्या होगी हमेशा बच्चे जुड़ जाएंगे क्लियर है ना तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी तो पहले बार में ये पहले घंटे में इतना किलोमीटर गया ये इतना किलोमीटर गया फिर इतना अलग अलग हमने जोड़ दिया तो हमारे पास फिफ्टीन आ गया टोटल डिस्टेंस बच्चे क्या हो गई कवर हो गई तो यहाँ पे देखिए दे टेक फाइव आवर्स टू मीट वो उनको मिलने में कितना टाइम लगेगा पाँच घंटे का टाइम लगेगा ये वाला बिल्कुल करेक्ट है आगे बोला गया दे मीट मिड वे बिटवीन ए एंड बी देखो ये हमारे पास जो पहला वाला है यानी ए वो सात पॉइंट पाँच किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की और जो सेकंड वाला है वो भी सात पॉइंट पाँच किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की तो इसका मतलब दोनों कहाँ मिलेंगे बिल्कुल बीचों बीच में मिलेंगे तो हम ये कह सकते हैं सर सेकेंड वाला ऑप्शन भी क्या है बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर जो बेटा सी है बोथ वन एंड टू दिस इज द करेक्ट आंसर यह आपके क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल सही जवाब है अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए बिल्कुल देखिए हमेशा क्या करना है जब कभी भी दो कभी बोला जाएगा दो ट्रेनें एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं कभी बोला जाएगा कि दो बच्चे हैं या दो आदमी हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं कभी बोला जाएगा कि वो फर्स्ट मिनट में इतना किलोमीटर जाते हैं फिर अगले मिनट में इतना बढ़ा दिया अगले मिनट में इतना बढ़ा दिया एक कॉन्स्टेंट स्पीड से वो लोग बढ़ते जाते हैं या फिर पूछा जाएगा पहले घंटे में वो दो किलोमीटर की स्पीड से गया अगले घंटे में ढाई किलोमीटर की स्पीड से गया अगले घंटे में तीन किलोमीटर की स्पीड से गया यानी कॉन्स्टेंट स्पीड से वो हर घंटे में अपनी स्पीड को क्या कर रहे हैं वो लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना कि सर दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं आगे की बात करता हूं ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आसान सा प्रश्न है ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कब पूछा है यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2020 में पूछा था बेटा कब पूछा गया है 2020 में पूछा गया था और ये जो क्वेश्चन है वो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन ये कब क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का देखो जब कभी भी बोला जाए एवरेज स्पीड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में बेटा थोड़ा सा बता देता हूँ फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे देखो हमेशा जब कभी भी एवरेज स्पीड बोला जाए जब कभी भी एवरेज स्पीड बोला जाएगा जब कभी भी बेटा एवरेज स्पीड बोला जाएगा तो एवरेज स्पीड क्या होता है ऑलवेज टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम जो एवरेज स्पीड होता है एवरेज स्पीड क्या होता है हमेशा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम ये होता है इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है आगे की बात करते हैं अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग मैंने बता दिया कि एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन को क्वेश्चन में बोला गया है बहुत मेरे साथ देखो क्वेश्चन बहुत आराम से हम लोग पढ़ते हैं और एक ही बार में पढ़ोगे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े देखिए कार ट्रेवल्स फ्रॉम अ प्लेस एक्स टू प्लेस वाई एक कार है जो प्लेस एक्स से प्लेस वाई की तरफ क्या करती है ट्रेवल करती है मान लेते हैं बेटा थोड़ी देर के लिए ये प्लेस एक्स है और ये प्लेस क्या है आपका वाई है आगे की बात करते हैं एट एन एवरेज स्पीड ऑफ वी किलोमीटर पर आर किस स्पीड से ट्रेवल किया वो लोग बी किलोमीटर की स्पीड से कवर किया कोई दिक्कत नहीं बी किलोमीटर पर आर की स्पीड से उन्होंने क्या कर दिया कवर कर लिया ठीक है उसके बाद बोला गया है फ्रॉम वाई टू एक्स वाई से फिर से वो लोग एक्स की तरफ आए वाई से फिर से किस तरफ आए एक्स की तरफ आए किस स्पीड से आए हैं वो लोग जल्दी बताइए टू बी स्पीड से आए हैं किस स्पीड से आए बेटा टू बी स्पीड से आए कोई दिक्कत नहीं एक्स से वाई गए किस स्पीड से वीस स्पीड से और वाई से एक्स आए तो कौन सी स्पीड से आए टू बी स्पीड से अच्छा बेटा आप बताओगे कि जो उसने तो पहली बार में डिस्टेंस कवर की और जो सेकेंड बार में डिस्टेंस कवर की क्या दोनों इक्वल है या नहीं वेरी गुड दोनों डिस्टेंस बेटा हमेशा क्या है इक्वल है एक्स से वाई और वाई के बीच से एक्स के बीच की डिस्टेंस क्या है इक्वल है अगेन बोला गया अगेन फ्रॉम एक्स टू वाई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ थ्री बी देखो फिर से वो गया इधर गया और किस स्पीड से गया थ्री बी की स्पीड से गया फिर बोला गया अगेन वाई टू एक्स विद द एवरेज स्पीड ऑफ फोर बी यानी हम कह सकते हैं दोबारा इधर आ गया और किस स्पीड से आपकी बार आया फोर बी यानी हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास डिस्टेंस है एक्स और वाई यानी मान लो कि आप अपने घर से कोचिंग इंस्टीट्यूट आते हो v की स्पीड से अगली बार में जब घर वापस गए तो टू वी की स्पीड से अगले दिन फिर आए तो थ्री वी की स्पीड से वापस गए तो अगले दिन फोर बी की स्पीड से गए ये हमारे पास क्वेश्चन है मुझे लगता है ये बात आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे तो टोटल तो अगर हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो मान लेते हैं ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी रही होगी डी

टू वी की स्पीड से थर्ड टाइम फिर से गया थ्री वी फिर फोर्थ बी अच्छा यहां पे देखो उसके बाद में हमें क्या करना है डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या बोला एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम और टाइम बराबर क्या होता है टाइम बराबर हमेशा होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड तो ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड बाई फर्स्ट की स्पीड कितनी है बेटा जल्दी बताओ वी किलोमीटर की स्पीड से है फर्स्ट की स्पीड हमारे पास कितना है वी की स्पीड से है वी किलोमीटर पर आर की स्पीड से ठीक है अच्छा सेकेंड हमारे पास कितना है डिस्टेंस तो सेम ही है टू बी की स्पीड से है अगली बार क्या है हमारे पास जल्दी बताइए डिस्टेंस है और ये हमारे पास थ्री बी स्पीड है अगली बार क्या होगा हमारे पास फोर बी हो जाएगा बोलो इसमें बच्चे इसमें तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आप बोलोगे सर बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है आगे की बात करते हैं ये डी 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 कितनी बार हो गया हमारे पास जल्दी बताइए फोर डी हो जाएगा यानी टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई फोर डी आगे की बात कर देंगे बेटा यहाँ पर वन डिवाइड बाई वी है यहाँ पर भी वन डिवाइड बाई वी है यहाँ पर भी वन डिवाइड बाई वी है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से सर देखो सब में डी कॉमन है क्या आप बोलो कैलकुलेशन का थोड़ा पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको सब में डी है बेटा तो हमने डी बाहर ले लिया ठीक है ना डिनोमिनेटर में देखो वी 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 तो यहाँ पर हमने वी कॉमन ले लिया बोलो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आगे की बात करते हैं इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना बन जाएगा वन प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन डिवाइड बाई थ्री और प्लस प्लस वन डिवाइड बाई फोर ये हो जाएगा हमारे पास कोई दिक्कत तो नहीं है आगे की बात करते हैं अब यहां तक मुझे लगता है आपको कोई समस्या नहीं है तो हम लोग आगे सॉल्व कर देंगे आगे सॉल्व कर लेंगे तो इतना बात तो जानते हो सर डी से क्या हो जाएगा हमारे पास डी कैंसिल हो जाएगा डी से डी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा आगे की बात यहाँ पे हो जाएगा ये फोर डिवाइड बाई वन डिवाइड बाई वी और यहाँ पे बेटा ये क्या हो जाएगा एलसीयम एल्शियम कितना हो जाएगा हमारे पास ट्वेल्व बच्चे कितना एल्सियम हो जाएगा ट्वेल्व और ये देखो ट्वेल्व अगर एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर कितना हुआ हमारे पास ट्वेल्व प्लस टू सिक्स जा ये हो गया सिक्स प्लस थ्री फोर जा और यहां पे हुआ हमारे पास थ्री ये टोटल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा फोर वन डिवाइड बाई बी और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास बारह और छः अट्ठारह अट्ठारह और चार बाईस बाईस और तीन कितना हो गया बेटा पच्चीस डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास ट्वेल्व मुझे लगता है यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं हुई होगी अगर यहां तक कोई समस्या नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग क्या करेंगे इसको बेटा ऊपर भेज सकते हैं क्या सॉल्व करने का तरीका तो आप लोग को पता ही है इसको हम लोग कहाँ भेज सकते हैं ऊपर भेज सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारे पास फोर इंटू ट्वेल्व इंटू वी डिवाइड बाई हमारे पास कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा हमारे पास वन और टू के बीच में आएगा हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास कितना आएगा वन और टू के बीच में आएगा देखो ये हो गया हमारे पास बारह सौ अड़तालीस और ये हमारे पास देखो ट्वेल्व फोर जहा कितना हुआ फोर्टी एट ही तो हुआ इससे डिवाइड करोगे तो वन पॉइंट के कुछ समथिंग आता है कितना वन पॉइंट कुछ समथिंग आएगा तो हमारे पास हो जाएगा लाइज बिटवीन वी एंड टू बी किलोमीटर पर आर लाइज बिटवीन क्या हो जाएगा हमारे पास v एंड टू किलोमीटर पर आज ये आपके क्वेश्चन का क्या है बच्चे बिल्कुल करेक्ट जवाब है आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है अगर किसी बच्चे को सॉल्व भी करना होगा तो यहां से आप सॉल्व भी कर सकते हो अगर किसी बच्चे को सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो बट मुझे नहीं लगता कि आगे सॉल्व करने की जरूरत है यहां से हमने यहां तक सॉल्व कर लिया तो होगा ये बारह को चार से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा फोर्टी एट फोर्टी एट को अगर हम ट्वेंटी फाइव से डिवाइड करेंगे तो टू से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम आ रहा है टू से क्या हो रहा है थोड़ा कम आ रहा है तो हमारे पास देखो पहला क्या है इज लेस देन वी किलोमीटर पर गलत हो गया लाइज बिटवीन टू बी एंड थ्री बी ये भी रॉन्ग हो जाएगा ये भी रॉन्ग हो जाएगा एक ही ऑप्शन है जो बच्चे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से ये वाला जो क्वेश्चन बेटा ये यूपीएससी ने पूछा था सीसेट के पेपर में कब पूछा था 2019 2019 में बेटा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में बढ़ते हैं देखो क्वेश्चन को हम लोग करेंगे देखो बहुत ध्यान से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं एक्स कॉमा वाई एंड जेड आर थ्री कॉन्स्टेंट्स इन अ रेस ऑफ वन मीटर तीन हमारे पास धावक हैं कॉन्स्टेंस का मतलब क्या होता है धावक तीन हमारे पास बच्चे धावक हैं जो रेस में भाग लेते हैं और रेस कितने मीटर की है हमारे पास एक हज़ार मीटर की है ठीक है एज्यूम दैट रन विद डिफरेंस यूनिफॉर्म स्पीड वो लोग डिफरेंस स्पीड से हम लोग रन करते हैं आगे बोला गया एक्स गिव वाई स्टार्ट टू फोर्टी मीटर एंड एक्स गिव जेड स्टार्ट टू सिक्सटी फोर मीटर देखो हम लोग करते हैं देखो ध्यान से बहुत अच्छे से करेंगे बेटा ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है जिसको हमने क्या मान लिया इस डिस्टेंस को हम टोटल क्या एज्यूम कर लेंगे कि जो टोटल डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में दिया गया है कितने मीटर की ये है एक हजार मीटर की टोटल डिस्टेंस हमारे पास बेटा कितने की है एक हजार मीटर की टोटल डिस्टेंस है बोला गया है एक्स गिव वाई आई स्टार्टअप ऑफ फोर्टी मीटर इसका मतलब ये है कि एक्स ने वाई को बोला कि तुम चालीस मीटर आगे का स्टार्टअप ले लो उसको एक्स को कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत ज्यादा है तो उसने क्या बोला वाई को कि बेटा ऐसा है तुम कम भाग पाते हो तो तुम 40 मीटर का स्टार्टअप ले लो तो उसने क्या किया एक्स तो बच्चे हमारे पास कहीं ना कहीं यही रह गया और वाई यहाँ पे पहुंच गया और इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है फोर्टी आगे बोला गया है एक्स गिव्स जेड आई स्टार्टअप ऑफ सिक्सटी मीटर एक्स का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं रुक नहीं रहा थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो उसने जेड को भी क्या कर दिया स्टार्टअप दे दिया उसने जेड को भी क्या किया बेटा स्टार्टअप दे दिया कितने का 64 मीटर का ये हो गया हमारे पास थोड़ी देर के लिए जेड और यहां पर इस टू पूरी डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना हो जाएगी 64 क्या हो जाएगी बच्चे टोटल ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी सिक्सटी अब आगे देखो यानी ए ने जो बी को बोला कि तुम चालीस मीटर आगे निकल जाओ और जो जेड को बोला एक्स ने क्या बोला कि भाई जो x है यहाँ पर x ने किसको बोला y को ये हमारे पास x है x ने y को बोला कि तुम 40 मीटर आगे निकल जाओ x ने z को बोला कि आप 64 मीटर क्या कर दो आगे निकल जाओ 1000 मीटर की रेस है उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम नहीं है कॉन्फिडेंस उसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है आगे की बात करते हैं देखो इसके बाद बोला गया है इफ़ वाई एंड जेड वर टू कंपीट इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर दोनों ने एक हजार में भाग लिया हाउ मेनी मीटर्स स्टार्ट टू Z? देखो पूछा गया है कि जो वाई है वो जेट को कितने मीटर से क्या करेगा हाउ मेनी मीटर्स स्टार्ट टू Z? जो वाई है वो जेट को कितने मीटर्स का स्टार्टअप देगा देखो ध्यान से कैसे करेंगे हम लोग मैंने बोला ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है थाउजेंड है तो बच्चे यहां से ये ये वाली डिस्टेंस है ये कितने डिस्टेंस बचेगी जल्दी बताओ आप बोलोगे सर 40 तो हमारे पास ये हो गया तो बेटा थाउजेंट में से आप क्या करोगे 40 को कम कर दोगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 960 मीटर कितना मीटर हो जाएगा 960 मीटर हो जाएगा और ये वाली डिस्टेंस कितनी है बोलो 64 तो टोटल है 64 में से 24 कम करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा ट्वेंटी 24, 24 हो जाएगा तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा जब 900 टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है थाउजेंड ये वाली रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची 960 अब ध्यान से सुनो जब हमारे पास 960 डिस्टेंस को कवर करनी है तो स्टार्टअप यहाँ पे कितना जल्दी बताओ 24. 960 में कितना स्टार्टअप मिला हमारे पास 24. लेकिन टोटल डिस्टेंस उसको कवर कितनी करनी है 1000. टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 1000 डिवाइड बाय 960 इन ट्वेंटी फोर बेटा जीरो से जीरो हमने कैंसिल कर दिया ट्वेंटी फोर वन जा ट्वेंटी फोर फोर जा फोर वन जा ये हो जाएगा हमारे पास ट्वेंटी फाइव टोटल जो हमारे पास उसका स्टार्टअप मिल जाएगा एक हज़ार मीटर की डिस्टेंस में वो कितना मिल जाएगा हमारे पास ट्वेंटी फाइव मीटर का स्टार्टअप मिल जाएगा किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो प्लीज बता दो मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूँ बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चे एक बार मैं बता देता हूं देखो जो x है वो y को कितना स्टार्टअप दिया 40 का दिया x ने z को कितने का स्टार्टअप दिया था बेटा 64 का स्टार्टअप दिया था तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी बन गई 64 फोर माइनस फोर्टी दैट इज ट्वेंटी और यहां से लेकर के ये जो डिस्टेंस है बेटा ये कितनी बन जाएगी नाइन हंड्रेड सिक्सटी थाउजेंड माइनस फोर्टी अच्छा देखो जब हम वाई और जेड के बीच में जब रेस हुआ और उसका नाइन हंड्रेड सिक्सटी मीटर में कितने का स्टार्टअप है ट्वेंटी फोर का स्टार्टअप है 960 में कितने का स्टार्टअप है बेटा 24 का स्टार्टअप है तो हमारे पास 24 मीटर का स्टार्टअप है लेकिन रियल में डिस्टेंस कितनी होनी है 1000 तो हमने सॉल्व कर लिया तो आंसर कितना आ गया 24 फोर दैट इज योर आंसर देखिए इस क्वेश्चन का बेटा एक अगला मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लिया है प्लीज देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है और थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया है मैंने आपके लिए क्वेश्चन में बोला गया इन वन थाउजेंड मीटर रेस अनुष्का अ अटार्टअप वन हंड्रेड मीटर टू करीना देखिए ये हमारे पास टोटल रेस हुई कितने मीटर की वन थाउजेंड मीटर की टोटल रेस हुई है टोटल जो डिस्टेंस की रेस हुई है बेटा वो कितने की हुई है वन थाउजेंड मीटर की रेस हुई है जिसमें बोला गया है अनुष्का ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अनुष्का है और इधर कौन हो गया इधर कौन हो गए भाई करीना ये कौन है करीना अच्छा ये इन्होंने जो अनुष्का है ये करीना को कितने मीटर का स्टार्टअप दे दी हंड्रेड मीटर का स्टार्टअप दे दी क्लियर है ना उसके बाद बोला गया है एंड बीट बाय हर टू हंड्रेड मीटर जो अनुष्का है वो करीना को कितने मीटर से सर, मीटर से से हरा 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 दी? हरा दी। आप बोलोगे सर 200 तो यह टोटल तो यहाँ तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो टोटल तो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी बनेगी सात बचेगी वो डिस्टेंस किसकी है वो करीना वो जो करीना है जो हार गई है रेस जो करीना हार गई है उसके पक्ष में जाएगा देखो ध्यान से यहां से मैं कह सकता हूं सर ये हो गई अनुष्का और ये हो गई हमारे पास करीना अगर इन्होंने टोटल एक हजार पूरा कवर कर लिया तो ये कितना ये कितना करेगी बोलो जल्दी से सात सौ अरे बोलो इतनी बात बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है आगे की बात करते हैं बेटा देखो ध्यान से उसके बाद बोला गया है इन द सेम रेस अनुष्का गिव्स आई स्टार्टअप हंड्रेड मीटर अनुष्का ये फिर से अनुष्का आ गई और अब की बार दीपिका को इसने कितना का स्टार्टअप दे दिया 100 मीटर का स्टार्टअप दे दिया एंड बीट्स बाय 300 मीटर और कितने से इसको हरा दी 300 मीटर से हरा दी ये वाली जो हमारे पास डिस्टेंस है ये कितनी है 300 मीटर है ये हमारे पास हो गया दीपिका अगेन ये क्या हो गई हमारे पास अनुष्का हो गई देखो बच्चे ये हो गया अनुष्का ये हो गई हमारे पास दीपिका अनुष्का का कितना है थाउजेंड मीटर तो दीपिका का कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारे पास कितना है बीट बाई थ्री हंड्रेड मीटर थ्री हंड्रेड ये है और ये हमारे पास कितना हंड्रेड तो हो जाएगा कितना सिक्स हंड्रेड मीटर क्योंकि तीन सौ और सौ मिलकर कितना हुआ चार सौ तो इसमें हंड थाउजेंड में से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास सिक्स हंड्रेड आगे बोला गया है बाई हाउ मेनी मीटर्स उड करीना बीट दीपिका उड करीना बीट दीपिका देखो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास करीना ये हो गया बेटा दीपिका करीना मान लेते हैं सात सौ है, 700 है? और ये हमारे पास हो गया 600 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे एक से जीतेगी डिवाइड बाई सेवन इनिशियल वैल्यू करीना की कितनी है सेवन इनटू में कितने मीटर की रेस करानी है इनको फिफ्टी मीटर की रेस करानी है बच्चे कितने मीटर की रेस करानी है फिफ्टी तो हम लोग फिफ्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको फिफ्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन सेवन सेवन जहा फोर्टी नाइन ये हमारे पास हुआ कितना दस यानी वन बच गया ना तो पॉइंट लगाएंगे दस बच गया यहाँ पे पॉइंट सेवन वन जो सेवन पॉइंट वन करके ऑप्शन बन रहा है यानी जो हमारे पास सी ऑप्शन है सेवन पॉइंट वन फोर थ्री ये इस क्वेश्चन का बेटा क्या है बिल्कुल करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब है किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है प्लीज बताइए कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न देखो ध्यान से क्वेश्चन में बोला गया अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज मूविंग इन द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर बहुत ही आसान प्रश्न है देख करके बहुत सारे बच्चे इसका आंसर कर देंगे और यूपीएससी ने पूछा है इसका ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी इसका मतलब बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछती है और आप मानो क्लास नोट्स में सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप क्लास नोट्स उठा करके अपना देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है प्लीज़ देख लीजिएगा घर पे जाके यूपीएससी ने पूछा है बेटा कब पूछा था इसको 2018 में पूछा था देखो कितना आसान प्रश्न है अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट द रेट ऑफ़ फोर्टी किलोमीटर पर आर किस स्पीड से जा रही है वो फोर्टी किलोमीटर की स्पीड से जा रही है ध्यान सुनो अगर हमारे पास से जो डिस्टेंस है ना ये डिस्टेंस किस में दिया गया है मीटर में दिया गया है डिस्टेंस हमारे पास किस में दिया गया बेटा मीटर में दिया गया है तो डिस्टेंस हमारे पास मीटर में दिया गया कितना मीटर दिया गया 200 मीटर और आप समझो कि अगर कभी भी हमारे पास डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड हमारे पास हमेशा मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो स्पीड किलोमीटर पर घंटे में होनी चाहिए ध्यान सुनो स्पीड दिया गया यहाँ पर किलोमीटर पर आर और आप जानते हो सर हमारे पास जो टाइम होता है वो टाइम बराबर क्या हो जाता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड टाइम बराबर ऑलवेज क्या होता है बेटा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड ध्यान से सुनते जाओ डिस्टेंस हमारे पास कितना मीटर है यहाँ पे जल्दी बताओ डिस्टेंस हमारे पास कितना मीटर है बेटा 200 मीटर है डिस्टेंस हमारे पास 200 मीटर है इज इट क्लियर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसको क्रॉस करनी है तो एक बात अपनी कॉपी पे आप लिख लो कि अगर कोई भी ट्रेन इफ एनी ट्रेन क्रॉसेस अ मैन और अ पोल कोई भी ट्रेन है किसी आदमी को क्रॉस करे या फिर किसी पोल को क्रॉस करे तो टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास होगी टोटल डिस्टेंस कवर बाय जो ट्रेन होगी वो क्या होगी इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन होती है वो हमेशा ट्रेन की लंबाई के बराबर ही होगी तो हम लोग आगे कह सकते हैं कि सर हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है टू है टोटल डिस्टेंस कितनी है 200 और ये हमारे पास कितना है 40 किलोमीटर पर आर किलोमीटर पर आर को बेटा अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 18 इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा ये हो जाएगा 200 कितना हुआ 18 मीटर पर सेकेंड वही चीज़ ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब है इस क्वेश्चन से आप लोग क्या समझे कि जब कभी भी हमारे पास कोई भी ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करे या फिर किसी पोल को क्रॉस करे तो आप जानोगे कि हमेशा जो ट्रेन की लेंथ होगी ट्रेन के द्वारा चली गई टोटल डिस्टेंस होगी क्लियर है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में पूछा था कब पूछा था 2017 में पूछा है कब पूछा है 2017 में पूछा गया है क्या क्वेश्चन है देखिए ध्यान से फ्राइड ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई एट द एवरेज स्पीड ऑफ फोर्टी किलोमीटर पर आर किस स्पीड से एवरेज स्पीड कितनी है फोर्टी किलोमीटर पर आर ठीक है आफ्टर टू आवर्स लेटर या जो भी है टू आवर्स लेटर एन एक्सप्रेस ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई फॉलोइंग द फ्राइड ट्रेन ऑन द पैरल ट्रेक एट द एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर अच्छा ये जो बीच में ये लैंग्वेज दिया गया है इससे आपको परेशान नहीं होना है बच्चे लैंग्वेज देख करके बिल्कुल परेशान हो जाते हैं आपको परेशान नहीं होना क्या बोला गया है हाउ फार न्यू दिल्ली द एक्सप्रेस ट्रेन मीट टू ट्रेन अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन में बोला गया है एक ट्रेन है मान लेते हैं ये हमारे पास डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है ये तो स्टेशन हो गया दिल्ली और ये क्या हो जाएगा हमारे पास मुंबई अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्या पता चल पा रहा है कि दोनों ट्रेनें दिल्ली से ही चल रही हैं या एक ट्रेन दिल्ली से चल रही है एक ट्रेन मुंबई से चल रही है इस बात को बहुत ध्यान से समझना है मैंने आपको बताया जब कभी भी दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो उनका जो रिलेटिव स्पीड बच्चे होता है वो रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होता है सबस्टेट कर दोगे रिलेटिव स्पीड को और अगर हमारे पास दोनों ट्रेनें देखो मैं लिख करके एक बार बता देता हूँ पूरी बात फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को करेंगे ये कंसेप्ट थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ फिर मैं हम लोग आगे बढ़ते हैं मैंने बोला आपको रिलेटिव स्पीड देखो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट बताता हूं रिलेटिव स्पीड देखो ध्यान से अगर कोई ट्रेन है यहां पे जा रही है x किलोमीटर पर आर की स्पीड से दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही है y किलोमीटर पर आर की स्पीड से तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी अपोजिट डायरेक्शन होगी अब देखो अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आर x प्लस वाई किलोमीटर पर आर बोलो बच्चे यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं किसी को मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों में से किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं हुई होगी आगे बढ़ते हैं अगर कभी भी एक ट्रेन है जो दिल्ली से मुंबई जा रही है और अगेन भी दिल्ली से मुंबई जा रही है यानी जो दोनों ट्रेनों का डायरेक्शन है बच्चे वो दोनों ट्रेनों का डायरेक्शन क्या है सेम है यानी अगर बच्चे कभी भी सेम डायरेक्शन पे क्वेश्चन आएगा तो आप दोनों की स्पीड क्या कर दोगे एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर कर दोगे एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर कर दोगे ये थोड़ी देर के लिए एक्स किलोमीटर पर आर है और ये वाला क्या है हमारे पास वाई किलोमीटर पर आर है मुझे लगता है रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट है वो आपको याद आ गया होगा रेगुलर क्लास में तो आप सीख चुके हो यहां पर भी आपको दोबारा से मैं रिमाइंड करा दिया जब कभी भी दोनों ट्रेनें एक दूसरे की डायरेक्शन में चलती हैं एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड हमेशा जुड़ जाएगा और जब कभी भी दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो आप समझो कि सर रिलेटिव स्पीड जो होगा वो दोनों को क्या कर देते हैं हम लोग सबस्टेट कर देते हैं आगे बढ़ते हैं इसको मैं हटा देता हूँ ये अपनी कॉपी पर आप लिख चुके होंगे देखो ध्यान से भाई क्वेश्चन में बोला गया है ट्रेन लेफ्ट दिल्ली टू मुंबई विद द एवरेज स्पीड ऑफ फोर्टी किलोमीटर पर आर मान लेते हैं ये ट्रेन हमारे पास है ये है हमारे पास दिल्ली ये है हमारे पास मुंबई दिल्ली से मुंबई किस स्पीड से गई भाई फोर्टी किलोमीटर पर आर की स्पीड से गई क्वेश्चन में बोला गया है आफ्टर टू आवर्स लेटर कितने घंटे बाद दो घंटे बाद दो घंटे बाद यानी दो घंटे में ये वाली जो ट्रेन है वो कितना कवर कर लेगी आप बोलोगे सर 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी कितने डिस्टेंस कवर कर लेगी भाई 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी दिल्ली से ये आगे निकली और यहाँ पर पहुँच गई होगी और थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 80 किलोमीटर की हो जाएगी इसके बाद में क्या बोला गया है एन एक्सप्रेस ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई दूसरी जो ट्रेन है वो भी दिल्ली से किधर गई मुंबई की तरफ गई यानी जो बच्चे डायरेक्शन हो गया वो दोनों ट्रेनों का क्या है हमारे पास सेम है डायरेक्शन क्या है सेम है अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी सबस्टेट हो जाएगी तो डिस्टेंस हमारे पास जो अस्सी है सबसे पहले इसी को तो कवर करेंगे जो हमारे पास वो दो घंटे में निकल गई ना आगे सबसे पहले उसको कवर करोगे और जब उसको कवर कर लोगे तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिल जाएंगी अच्छा यहाँ पर देखो पहले दूसरे वाले की स्पीड तो 60 है पहले वाले की स्पीड कितनी है बच्चे यहाँ पे 40 है दोनों को डिफरेंस ले लिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा 60 माइनस फोर्टी दैट इज़ ट्वेंटी इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा चार यानी फोर आर हो जाएगा बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में बोला गया हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड बी एक्सप्रेस ट्रेन मीट टू फ्राइट ट्रेन जो हमारे पास वो डिस्टेंस है वो दिल्ली से कितनी दूरी पर है हम ये कह सकते हैं दूसरी वाली ट्रेन दिल्ली से चली है किस स्पीड से 60 की स्पीड से चली है और आफ्टर फोर आर वो क्या करेगी पहली वाली ट्रेन को पकड़ लेगी तो फोर आर में जो दूसरी ट्रेन के द्वारा कवर की गई टोटल डिस्टेंस है बेटा वो क्या है सिक्सटी इंटू फोर देट इज़ हाउ मच टू हंड्रेड फोर्टी 240 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा यानी हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली से 240 किलोमीटर आगे निकलने के बाद जो दूसरी ट्रेन है वो पहली वाली ट्रेन को कहीं ना कहीं पकड़ लेगी आगे बढ़े मुझे लगता है यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन था आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे बच्चे जो ये क्वेश्चन है ये यूपीएससी ने पूछा था सी के पेपर में कब पूछा था 2016 में पूछा है कब पूछा था बेटा 2016 में ये पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन में बोला गया है डेली ट्रेन इज टू बी इंट्रोड्यूस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी स्टार्टिंग फ्रॉम ईच इंड एट सिक्स ए एम पर स्टार्ट होती है एंड द जर्नी इज टू बी कंप्लीटेड इन फोर्टी टू आवर्स वट इज द नंबर ऑफ ट्रेन नीडेड इन दर्डर टू मेनटेन बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हम ये कह सकते हैं सर यह मिसलेनियस क्वेश्चन है जब कमीशन को थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन बनाना होता है कि बच्चा को समझ ना पाए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है तो वो ऐसे क्वेश्चन को डालेगा एग्जाम में यह कह सकते हो कि पूरी तरीके से मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है हम लोग ट्राई करते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है बोलो जल्दी से टोटल सॉरी टोटल जो टाइम लगना है वो कितना लगना है 42 और इसमें कितनी ट्रेनें लग सकती हैं देखो ध्यान से मैंने मोल दिया यहाँ पे हमारे पास 6 ए एम है 6 ए एम पर कोई फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट हुई मान लेते हैं फर्स्ट ट्रेन एक्स मान लेते हैं कि एक्स ट्रेन स्टार्ट हुई दूसरी वाली ट्रेन भी हमारे पास कब स्टार्ट हुई सिक्स ए पर स्टार्ट हो गई दूसरी ट्रेन कब स्टार्ट हो गई भाई सिक्स ए पर स्टार्ट हुई तो 6 ए एम पर स्टार्ट हुई पहली वाली ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन सिक्स एम पर स्टार्ट हुई तो हमारे पास कभी कितनी ट्रेनें स्टार्ट हो गई दो और दो ट्रेनें स्टार्ट हुई तो बारह दुनिया कितना होता है चौबीस बारह एक अरे बारह एक दिन में बारह ही तो होता है ट्वेंटी फोर आवर्स नहीं लोगे बहुत बच्चे इसमें सोचते हैं कि सर ट्वेंटी फोर आवर लेना है ट्वेंटी फोर आवर नहीं लेना बेटा क्या लोगे हमेशा ट्वेल्व लोगे यहाँ पे क्योंकि अब देखो कोई पूछेगा सर रेलवे में तो हमेशा ट्वेंटी फोर आवर्स होता है बट यहाँ पर नहीं लेना है क्वेश्चन में बोला गया है फोर्टी टू आवर्स बोला गया है इज ट्रेन इन एट सिक्स ए एम अब देखो जर्नी टू बी कंप्लीटेड इन फोर्टी टू आवर्स देखो सिक्स ए एम पर यह हुई सिक्स ए एम पर यह हुई तो हमारे पास टोटल जो टाइम है वो बेटा कंप्लीट नहीं हुआ है सिक्स ए एम पर टोटल टाइम क्या हो गया कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहां पर देखो एंड जर्नी टू इट जर्नी इज टू बी कंप्लीटेड इन 42 टू आवर्स फोर्टी आवर्स में टोटल जर्नी कंप्लीट करनी है तो यहाँ पे पहले दिन हमारे पास ये 6 ए एम पर चली और ये भी 6 ए एम पर चली ये ट्रेन नंबर फर्स्ट है और ये ट्रेन नंबर फर्स्ट सेकंड है तो बारह दुनिया कितना होता है 24 नहीं कंप्लीट हुआ अगले फिर से 6 ए एम पर स्टार्ट हुई और यहाँ पर भी सिक्स एम पर स्टार्ट हुई तो हमारे पास टोटल ट्रेन कितनी हो गई वन टू थ्री और फोर टोटल ट्रेन हमारे पास कितनी four. Four हो गई फोर फोर ट्रेन होगी जो अगर फोर ट्रेन लगेगा टोटल उसको कवर करने में थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है और मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है ये टाइम स्पीड डिस्टेंस में किसी टाइप में नहीं आता कि इस टाइप का क्वेश्चन बता दिया जाएगा और आपका हो जाएगा ये किसी टाइप में नहीं आएगा ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि एग्जाम में जब आप जाओगे और अगर आप बहुत अच्छे से बेसिक पूरा पढ़ रखा है अगर आपके दिमाग में क्लिक हो गया तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आ गया तो अगर समझ नहीं पा रहे हो तो मुझे लगता है कि छोड़ देने में आपकी भलाई रहेगी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे देखो ध्यान से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी ने सीसाइड के पेपर में पूछा था कब पूछा था 2015 में 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन है इन अ 500 मीटर रेस बी स्टार्ट्स 45 मीटर्स मीटर ऑफ ए देखो ध्यान से मैंने बोला कि ये जो हमारे पास एक रेस हुआ है ये कितने मीटर का हुआ जल्दी बता बेटा फाइव मीटर का रेस है ये रेस जो है वो कितने मीटर का है फाइव मीटर का रेस है क्वेश्चन में बोला गया है बी स्टार्ट 45 मीटर अहेड ऑफ ए यानी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास अगर ए है ये हमारे पास बी है तो यहां पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये 45 हो जाएगी बट ए बिन्स द रेस वाइल बी इज स्टिल 35 मीटर बिहाइंड अच्छा यहां पे सबसे पहले ए पहुंच गया और ए रेस जीत गया जबकि ये भाई साहब जो है बी यानी बी जो है वो कितना है थर्टी फाइव हमारे पास क्या है कहीं ना कहीं थर्टी फाइव बेटा क्या रह गया वो पीछे रह गया थर्टी फाइव कहीं ना कहीं क्या रह गया है वो पीछे रह गया है क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए टू बी एज्यूमिंग दैट बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम दोनों अगर हम ये मान लेते हैं कि सेम टाइम पर स्टार्ट किया तो दोनों के दोनों के जो स्पीड का रेशियो है वो बच्चे दोनों के स्पीड का रेशियो क्या हो सकता है ध्यान से सुनो हमने मान लिया कि ए से बी तक ये गया है कौन ए से बी तक गया है ए वाला तो टोटल डिस्टेंस ए के बारे में पहले बात कर रहे हैं कितना हो जाएगा हमारे पास फाइव हो जाएगा अच्छा देखो ये पहले बीट दे दिया पहले स्टार्टिंग जब दोनों सेम देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं सर ये फोर्टी फाइव तो चला होगा ना बी लेकिन बी को ए ने क्या बोल दिया स्टार्टअप दे दिया है कितने का फोर्टी फाइव का तो हम ये कह सकते हैं सर बी जो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या कवर करेगा फाइव हंड्रेड माइनस फोर्टी फाइव और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास ये प्लस हो जाएगा कितना थर्टी फाइव यहाँ से सॉरी ये माइनस फोर्टी फाइव और माइनस फोर्टी फाइव तो यहां पे हम कह सकते हैं माइनस फोर्टी फाइव और माइनस थर्टी फाइव दोनों को अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइव हंड्रेड और ये रेशियो कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव और थर्टी फाइव कितना होता है एट्टी ये हो जाएगा बेटा फोर हंड्रेड ट्वेंटी जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव और ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन पच्चीस रेशियो इक्कीस हुई चीज ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है सही जवाब है रेस पर आधारित क्वेश्चन था अगर आप में से किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बताइए कोई बात नहीं मैं एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन में बोला गया है बी स्टार्ट 45 मीटर अहेड ऑफ ए स्टार्टिंग में जो बी है वो 45 मीटर ए से आगे है तो 45 मीटर पर यहां पर पहुंच गया ना बी और साथ में जब स्टार्ट किए होंगे तो, मान लो ये स्टार्ट किया तो ये भी स्टार्ट कर दिया जैसे बी को बोला ए ने कि भाई तुम क्या करो 45 मीटर आगे रहो सबसे पहले बी खुद ही आगे हो गया यहाँ पे हो गया और ए इसको बीट करके आगे पहुँच गया और 35 मीटर पीछे रहेगा तो जो टोटल समय में टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो ये होगा और जो अगर हमारे पास डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो उसी रेशियो में हमारे पास क्या हो जाता है उसका स्पीड हो जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में पूछा था कब 2015 में 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बोला गया है टू सिटीज ए एंड बी आर 360 किलोमीटर अपार्ट दो इस, आ, शहर है जो 360 किलोमीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे से मान लेते हैं ये सिटी ए है और ये सिटी बी है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है 360 किलोमीटर कितना है 360 किलोमीटर 360 किलोमीटर है अ कार गोज फ्रॉम ए टू बी विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आर एक कार है जो ए से बी की तरफ जाता है किस स्पीड से 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाता है एंड रिटर्न विद द स्पीड ऑफ सिक्सटी किलोमीटर पर आर व्हाट इज द एवरेज स्पीड देखो एक कार है जो ए से बी जाता है किस स्पीड से 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाता है और इधर आ गया किस स्पीड से आ गया 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से रिटर्न हो गया जब कभी भी आपसे यह पूछा जाए कि ए से बी स्थान पर गया है इस स्पीड से एक्स स्पीड से और बी से ए स्थान पर वापस आ गया वाई स्पीड से तो इसका बेटा डायरेक्ट जो एवरेज स्पीड होता है डायरेक्ट जो एवरेज स्पीड होगा इसका जो डायरेक्ट एवरेज स्पीड होता है वो होता है टू एक्स वाई एक्स टू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई होता है वेयर एक्स इज द स्पीड ऑफ फर्स्ट यानी कितना हो जाएगा हमारे पास फोर्टी और ये कितना हो जाएगा हमारे पास सिक्सटी और डिवाइड बाई दोनों को जोड़ दो फोर्टी प्लस सिक्सटी इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर बन जाएगा टू इंटू फोर्टी इंटू सिक्सटी डिवाइड बाई हंड्रेड ये हो गया जीरो से जीरो कैंसिल चार दूनी आठ आठ चौबीस कितना हो गया हमारे पास ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर जो होगा एक मिनट सॉरी टू जाट एट सिक्स पर आर इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट जवाब है वही चीज ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा आप हमेशा ध्यान रखोगे कि, कि जब कभी भी थोड़ा सा और मैं इसका कंसेप्ट भी एक बार बता देता हूं देखो ध्यान से इसका एक कंसेप्ट देख लो आप लोग मान लेते हैं कोई ट्रेन है या जो ऐसे गई ये डिस्टेंस कितनी है डी डिस्टेंस है किस स्पीड से एक्स किलोमीटर पर आर की स्पीड से वापस सेम डिस्टेंस आई है वो किस स्पीड से वाई किलोमीटर पर आर की स्पीड से आई है बेटा तो आप क्या करोगे अगर कभी भी एवरेज स्पीड पूछा जाएगा कभी भी अगर एवरेज स्पीड पूछा जाएगा तो इसका फार्मूला होता है टू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई टू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई क्लियर ये है, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है देखिए बेटा सेम क्वेश्चन का मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया हूं देखिए ध्यान से जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेम क्वेश्चन का लिया है कि आपका जो कंसेप्ट है बच्चे वो पूरी तरीके से क्या हो जाए बिल्ट हो जाए आगे बढ़ते हैं देखो क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए प्लीज मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो मैंने आपको बता दिया है ध्यान से सुनिए अ अटेक्सी गोज फ्राम सिटी ए टू सिटी बी एंड एवरेज स्पीड ऑफ एट्टी फोर मैंने बोला जब सिटी ए से सिटी बी की तरफ जाएगी और सिटी बी से सिटी ए की तरफ आएगी तो आप सीधा टू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई लगा दोगे ये हमारे पास इसका एवरेज स्पीड निकालना है क्या निकालना है एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बेटा टू इन टू एट्टी फोर आगे बोला गया है इन द रिटर्न ऑफ जर्नी ड्यू टू ट्रैफिक द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी फ़ाल्स बाई 24 किलोमीटर पर है फ़ाल्स का मतलब क्या होता है कि जो एवरेज स्पीड थी वो कम हो गई कितना कम हो गई 24 किलोमीटर कम हो गई तो 84 में से अगर आप 24 को कम करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 84 में से बचे आप लोग क्या करोगे 24 को कम करोगे तो चार में से चार हो गया जीरो और आठ में से दो हो गया छः बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं है देखो जब कभी भी एग्जाम में जाओगे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर में बच्चे डायरेक्ट सीधा कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे 60 लिख देंगे 70 लिख देंगे जल्दी जल्दी में और क्या हो जाएगा हमारे पास गलत हो जाएगा इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से लिख लेना है आगे की बात करेंगे देखो ध्यान से मैंने बोला ये हमारे पास जाने की स्पीड हो गई और 60 क्या हो गई आने की स्पीड हो गई x प्लस वाई यानी इसको हम लोग ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा हमारे पास फोर और आठ और छः मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास चौदह आगे की बात करते हैं बेटा ये हो जाएगा कैंसिल कर दो इसको कितना हो गया ट्वेल्व के टेबल में 84 आता है क्या ये हो जाएगा हमारे पास सेवन ये हो जाएगा हमारे पास ट्वेल्व ट्वेल्व बन जाए ये हो गया हमारे पास फाइव सात पचे पैंतीस दुना कितना हो गया हमारे पास सेवेंटी ऑप्शन नंबर जो सी है ऑप्शन नंबर बच्चे की इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट जवाब है सेवेंटी इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट जवाब है कुछ भी नहीं करना था सीधा टू एक्स वाई लगाया हूं मैं ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है और अच्छा प्रश्न है देखिए इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है यूपीएससी ने पूछा था सी सेट के पेपर में 2014 में अच्छा प्रश्न है बेटा ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी है और सी सेट में तो ऐसा क्वेश्चन आता है सी सेट के अलावा भी जितने एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम वो सारे के सारे पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इसलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है ध्यान से देखिए बेटा क्या बोला गया है अ वर्कर रीचेस हिज फैक्ट्री थ्री मिनट लेट तीन मिनट लेट पहुंचता है इफ़ हिज स्पीड फ्रॉम हिज हाउस टू फैक्ट्री फाइव किलोमीटर पर यदि वो पांच किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता है तो तीन मिनट क्या हो जाता है लेट हो जाता है इफ़ यू वॉक्स सिक्स किलोमीटर पर आर, देन ही रीच इज द फैक्ट्री सेवन मिनट लेट देखो ध्यान से जब कभी भी हमारे पास उसके बाद बोला गया है डिस्टेंस बताना है उसके पास उसके घर से जो फैक्ट्री के बीच की डिस्टेंस है वो क्या है देखो ध्यान से बच्चे एक फार्मूला हमेशा याद रखोगे अगर कभी भी डिस्टेंस निकालना होगा एस वन इंटू एस टू इक्वल में डिस्टेंस डिवाइड बाई टी वन डिफरेंस टी टू टी वन डिफरेंस टी टू यहां पे हो जाएगा एस वन डिफरेंस एस टू अच्छा ये जो T1 और T2 का डिफरेंस है आप हमेशा ध्यान में रखोगे कि, कि ये बच्चे जो डिफरेंस होता है वो हमेशा आर्स में आपको लेना है अच्छा स्टार्टिंग का स्पीड कितना था जब वो गया था जल्दी बताओ फाइव किलोमीटर पर आर उसके बाद क्या बोला गया है सिक्स किलोमीटर पर आर दूसरी वाली स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास सिक्स किलोमीटर पर आर हो जाएगी डिस्टेंस हमें बच्चे निकालना है क्वेश्चन में देखो आगे क्या बोला गया है ही गेटिंग थ्री मिनट लेट एंड सेवन मिनट अर्ली थ्री मिनट लेट और सेवन मिनट अर्ली दोनों का डिफरेंस लोगे तो देखो जब लेट हो गया और अर्ली माइनस और प्लस दोनों बोला जाए तो हमेशा क्या कर दोगे उसको प्लस कर दोगे थ्री और सेवन मिला के कितना हो जाएगा टेन मैंने बोला कि टेन मिनट है उसको घंटे में चेंज करना है इसलिए हमने क्या कर दिया सिक्सटी से बच्चे यहाँ पे डिवाइड कर दिया और स्पीड का डिफरेंस क्या ले लिया वन ले लिया ये हो जाएगा फाइव इंटू इक्वल में ये हो जाएगा जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा सिक्स और भैया सिक्स से सिक्स कैंसिल हो जाएगा डी की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी हमारे पास फाइव डी की वैल्यू हो जाएगी फाइव वही चीज ऑप्शन नंबर सी बेटा जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा बहुत सारे बच्चों को लगता है सर ये डिफरेंस कैसे लेते हैं जो अर्ली और बिफोर uh, जब कभी भी हमारे पास टाइम की बात करेंगे अर्ली लिखा होगा और अर्ली लिखा होगा और लेट होगा या आफ्टर लिखा होगा ऐसे कुछ भी लिखा तो हमेशा दोनों को क्या कर देते, हैं? कर देते हैं और दोनों भी माइनस कर देंगे बट अगर अपोजिट है तो अलविद क्या करोगे आप आग ऐड कर दोगे सेम सेम क्वेश्चन का मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके लिए लिया है देखिए ध्यान से इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये देखिए आप पहले ध्यान से ये जो क्वेश्चन है मैंने आपके लिए लिया है कि जो आपका है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाए? बिल्ट हो जाए आगे बढ़ते बाई स्पीड ऑफ फाइव किलोमीटर पर आर एक लड़का है जो घर से स्कूल किस स्पीड से जाता है बच्चे फाइव किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाता है बोला गया है ही लेट, वो दस मिनट देर से पहुंचता है अगली बार बोला गया बट वेन ही इंक्रीज हिज स्पीड बाई वन किलोमीटर पर आर अगर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया कितना इंक्रीज कर दिया वन किलोमीटर पर आर इंक्रीज कर दिया एंड नाउ ही रीच इज टेन मिनट अर्लियर अब वो दस मिनट बच्चे क्या करता है पहले पहुंच जाता है तो आपसे पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस बताओ टोटल डिस्टेंस बताओ देखो ध्यान से यहां पे बोला गया आप फार्मूला जानते हो क्या होता है एस वन इन टू एस टू इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाई टी वन डिफरेंस टी टू और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा एस वन डिफरेंस एस टू मुझे लगता है यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है अब आपको क्या करना है बैलू पुट कर देना है केवल बैलू पुट कर दो देखो आंसर बन जाएगा पहले की स्पीड हमारे पास कितनी थी फाइव अगली बार बोला गया है कि एक किलोमीटर पर आर की स्पीड उन्होंने बढ़ा दी तो अभी कितना हो गया सिक्स इक्वल में डिस्टेंस हो गया टी वन डिफरेंस टी टू यानि पहले वो दस मिनट क्या होता था देखो ध्यान से टेन मिनट लेट पहुंचता था बाद में टेन मिनट अर्लियर पहुंच गया तो हमारे पास अगर कभी भी लेट और पहले दोनों की बात किया गया तो हम लोग जो टाइम होता है उसको ऐड कर देते हैं टेन और टेन कितना हो गया बच्चे ट्वेंटी हो गया डिवाइड बाई हमने क्या कर दिया सिक्सटी कर दिया क्योंकि हमें आर्स में टाइम चाहिए यहाँ पर क्या हो गया ए, स्पीड का डिफरेंस वन हो गया जीरो से जीरो कैंसिल हो गया टू टू वन जहाँ और ये हो गया हमारे पास थ्री बच्चे बन गया फाइव इंटू सिक्स बराबर में कितना हो गया हमारे पास थ्री डी थ्री वन जाए हो गया हमारे पास टू टेन इक्वल में डी जो टोटल डिस्टेंस है बेटा वो कितनी हो जाएगी हमारे पास टेन किलोमीटर हो जाएगी आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट जवाब है वो हमारे पास क्या है टेन है बट एग्ज़ाम में क्या होता है कि जब एग्जामिनर का मूड थोड़ा सा होगा कि और अच्छा क्वेश्चन बनाया जाए तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा और अगले स्टेप पे भी जा सकता है तो अगला स्टेप वो ये पूछ लेगा कि एकूरेट टाइम बताओ एकूरेट टाइम बताओ कि वो कौन से टाइम जो एकट होगा वो कौन सा एकूरेट टाइम होगा कितना टाइम लगना चाहिए एकूरेट उसको स्कूल से घर पहुंचने में या घर से स्कूल पहुंचने में एकूरेट टाइम कितना लगना चाहिए और एकूरेट स्पीड भी बताना है कि वो भाई किस स्पीड से जाए कि सही समय पर पहुंच जाए ना लेट पहुंचे और ना बिफोर पहुंचे देखो ध्यान से अगर मैं एकूरेट टाइम की बात करूं तो ध्यान से सुनो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है टेन टाइम बराबर आप जानते हो क्या होता है सर डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड होता है किस स्पीड से पहली बार गया फाइव तो हमारे पास कितना लगा टू आवर्स लग गया कितना लग गया बेटा टू आवर्स लग गया अच्छा ध्यान से सुनो दो घंटे में कितने मिनट होते हैं भैया बोलो जल्दी से 120 मिनट होते हैं दो घंटे में कितना मिनट होता है 120 मिनट होता है तो जो हमारे पास टू आवर्स लगा ना इसमें टेन मिनट लेट लगा है तो जो रियल टाइम लगना चाहिए वो इसमें से टेन मिनट मैं कम कर दूं तो कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर वन आवर और कितना मिनट 50 मिनट लग जाएगा वन आवर कितना मिनट हो जाएगा 50 मिनट हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं सर वन प्लस फाइव डिवाइड बाई ये 50 डिवाइड बाई सिक्सटी भी तो कह सकते हो इसको कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास एलेवन डिवाइड बाई सिक्स एलेवन डिवाइड बाई सिक्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा एकूरेट टाइम हो जाएगा या एक टाइम और बताओगे तो हम लोग कह सकते हैं एक घंटा पचास मिनट लगना चाहिए उसको घर से स्कूल पहुँचने में आपसे पूछा गया है क्या एकूरेट स्पीड बता दो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम डिस्टेंस बेटा कितना है टेन डिवाइड बाई टाइम कितना है 11 डिवाइड बाई सिक्स तो सिक्स को हम सीधा सीधा ऊपर भेज दें यह हो जाएगा कितना सिक्सटी डिवाइड बाई एलेवन सॉल्व कर दोगे तो कितना हो जाएगा फाइव राइट फाइव डिवाइड बाई एलेवन किलोमीटर पर आर ये हमारे पास एकूरेट स्पीड आ गई अगर कभी भी एग्जाम में आपसे एकूरेट स्पीड पूछा जाएगा जब बच्चों से एकूरेट स्पीड पूछा तो वो लोग कन्फ्यूज हो जाता है बेटा आपको कन्फ्यूज नहीं होना है चाहे वो डिस्टेंस पूछेगा चाहे वो फिर स्पीड पूछेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने का मतलब ही मेरा ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन पे कुछ भी पूछा जाए तो आप हंड्रेड परसेंट कर ले जाओ इसीलिए मैंने आपको तीनों चीज़ें निकाल करके बता दी आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्वेश्चन में बोला गया है नंबर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था सीसेट के पेपर में कब पूछा था टू में पूछा गया क्वेश्चन है देखो ध्यान से क्वेश्चन में बोला गया है टू कार्स स्टार्ट टूअर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस ए एंड बी विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर जो दोनों कार हैं ए और बी उनके बीच की जो जो दो प्लेसेज हैं ए और बी उनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी हो जाएगी हमारे पास जल्दी बताओ वो दोनों डिस्टेंस हमारे पास उनके बीच की हो वन सिक्सटी किलोमीटर तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या वन सिक्सटी किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है बोलो बिल्कुल ठीक बात कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से आगे की बात करते हैं बोला गया है जो दो कार हैं उनके बारे में बोला गया दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एट टेन ए एम आठ बजकर दस मिनट पर मॉर्निंग में दोनों कारें स्टार्ट होती हैं और एक दूसरे की तरफ इस्टार्ट कर टूआस ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ स्टार्ट होती हैं यहाँ से ये वाली भी कार आठ बजकर दस मिनट पर मॉर्निंग में ही स्टार्ट हो गई इतना क्वेश्चन ने बोला है बोला गया इफ द स्पीड ऑफ द कार फिफ्टी किलोमीटर एंड थर्टी किलोमीटर पर आर रिस्पेक्टिवली तो हम यह कह सकते हैं पहले वाले की स्पीड हमारे पास 50 किलोमीटर पर आर है भाई साहब और हमारे पास दूसरे वाले की स्पीड कितनी है थर्टी किलोमीटर पर आर है मुझे लगता है यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जो क्वेश्चन ने बोला वही क्वेश्चन मैंने लिख दिया क्या क्वेश्चन बोला गया है दो प्लेसेज हैं ए और बी जिनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई है वन किलोमीटर दी गई है दो कार हैं जो सेम टाइम पर एक दूसरे की तरफ स्टार्ट होती हैं कितने बजे आठ बजकर दस मिनट पर स्टार्ट होती हैं अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है दे विल मीट ईच अदर वो दोनों कब एक दूसरे से मिल जाएंगी अच्छा दोनों कारें एक दूसरे की तरफ चलती हैं और अभी थोड़ी देर के पहले मैंने आपको बताया बेटा आप बताओ अगर दोनों कारें एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है जुड़ जाता है वेरी गुड उनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं सर वन सिक्सटी जो मीटिंग टाइम है बता रहा हूँ यहाँ पे पूछा गया दे विल मीट ईच अदर एट वाट टाइम तो हमारे पास वो कब मिलेंगी देखो 160 सिक्सटी इज़ द टोटल डिस्टेंस और यहाँ पर 50 और 30 को ऐड कर दोगे ये हो जाएगा हमारे पास कितना 80 डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना टू आवर्स दो घंटे बाद वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिल जाएंगी यानी आठ बजकर दस मिनट पर तो वो स्टार्ट हुई थी और इसमें टू हमारे पास जोड़ दो टू आवर्स जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास दस बजकर दस मिनट वो दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी भाई दस बजकर दस मिनट यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है बेटा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट जवाब है जो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे वो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है अगर किसी बच्चे को, को कोई दिक्कत है तो बताओ कोई समस्या तो नहीं है टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर है थोड़ा सा अच्छा चैप्टर माना जाता है ये इसलिए बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजें हंड्रेड क्लियर हो जाए बहुत आराम आराम से मैं आपको क्वेश्चन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा ये जो क्वेश्चन है वो चोर और सिपाही पर बेस्ड क्वेश्चन है यूपीएससी ने पूछा था कब पूछा था सीसाइड के पेपर में 2013 में पूछा गया है 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा प्रश्न है चोर सिपाही पर क्वेश्चन आते हुए मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके लिए दिया है इस पर लेकिन अभी पहले क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम का क्वेश्चन है देखो ध्यान से बोला गया रनिंग एट किलोमीटर पर आर जो थीप है यानी जो चोर है वो आठ किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है इज कैस्ट बाई पुलिसमैन हुज इस स्पीड इज टेन किलोमीटर पर आर वो किसके द्वारा पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा पुलिस किस स्पीड से भाग रहा है दस की स्पीड से भाग रहा है टेन किलोमीटर जो थीप है मान लेते हैं यह हो जाएगा हमारे पास यह हो जाएगा थोड़ी देर के लिए पुलिस और यह हो जाएगा हमारे पास कौन थीप यानी चोर हो जाएगा बेटा जो चोर है वो पुलिस से किस स्पीड से कितना दूर आगे निकल गया है आप बोलोगे सर 100 मीटर आगे निकल गया कितना आगे निकल गया बेटा 100 मीटर आगे निकल गया ये वाली जो डिस्टेंस है टोटल ये कितनी हो गई 100 मीटर आगे कहीं निकलेंगे उसके बाद अब देखो ध्यान से ये वाला भाग रहा है किस स्पीड से एट किलोमीटर पर आर की स्पीड से भाग रहा है ये भाई साहब किस स्पीड से भाग रहे हैं ये भाग रहे हैं पुलिस साहब कितने स्पीड से भाग रहे हैं टेन किलोमीटर पर स्पीड से भाग रहे हैं आगे की बात बोला गया देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिस मैन टू कैच द थीप कितना टाइम लगेगा पुलिस को कि चोर को पकड़ ले वो अच्छा देखो ध्यान से टोटल जो आगे निकल गया वो हंड्रेड मीटर आगे निकल गया इसी को तो सबसे पहले कवर करना है ध्यान सुनो मैंने बोला ये हमारे पास जो पुलिस है वो टेन किलोमीटर की स्पीड से भाग रहे हैं और जो हमारे पास चोर भाई साहब हैं वो चोर किस स्पीड से भाग रहे हैं एट किलोमीटर पर स्पीड से भाग रहे हैं अच्छा देखो सामने की तरफ चोर भाग रहा है उसके पीछे ही तो पुलिस भागेगा इसका मतलब दोनों का जो बच्चे डायरेक्शन है वो दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है और अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है सबस्टेक्ट हो जाती है दोनों को हम लोग क्या कर देंगे सबस्टेट कर देंगे रिलेटिव स्पीड हमारे पास कितना हो जाएगा टू रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा टू अब ध्यान से सुनो जो यहां पर स्पीड है वो किलोमीटर पर आर में दिया गया है स्पीड किस में दिया गया है किलोमीटर पर आर में दिया गया है और जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है डिस्टेंस किस में दिया गया है मीटर में दिया गया है तो हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चे इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे कैसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए फाइव डिवाइड बाई से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं टू इंटू फाइव डिवाइड बाई एटीन एटीन बेटा ऊपर चला जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा टू फाइव या टेन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास हो गया टेन यहाँ पे अट्ठारह को दस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा एक सौ अस्सी ये जो एक सौ अस्सी आया है ये क्या आ जाएगा हमारे पास सेकेंड एक सौ अस्सी सेकेंड लगेगा पुलिस चोर को पकड़ लेगा और 180 सेकंड को अगर हम लोग किससे डिवाइड कर दें 60 से 180 सेकंड को हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री मिनट वही चीज ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या है सही जवाब है चोर और सिपाही पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको ध्यान में रखना है पहले चोर भाग गया कितना भाग गया सौ उसके बाद सिपाही ने उसको स्टार्ट किया पकड़ना पुलिस ने पकड़ना स्टार्ट किया भागा पुलिस उसके पीछे दस की स्पीड से चोर आठ की स्पीड से भाग रहा है वो रुक नहीं रहा है तो दो ही तो जो पुलिस है वो हर घंटे में दो भागेगा ना तो कितना लगेगा आपको बता दिया मैंने आगे बढ़ते हैं सेम क्वेश्चन का बेटा एक मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लिया है प्लीज देखिए ध्यान से ध्यान से सुनो इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने जो लिया है क्वेश्चन में बोला गया है अथीप स्टील्स कार एक जो पुलिस एक जो चोर है वो क्या चुराया कार चुराया और उसके बाद बोला गया है एट नाइन ट्वेंटी पी रात में नौ बजकर बीस मिनट पर उसने क्या चुराया है कार चुराया एंड ड्राइव इट ऑफ एट फोर्टी टू किलोमीटर चुरा करके फोर्टी टू किलोमीटर पर आर की स्पीड से भागा द दिस्कवर्ड एट टेन फिफ्टीन पी एम कब पता चला दस पंद्रह पर पता चला कि भाई चोरी हो गई एंड द आनर सेट ऑफ इन अनदर कार ऐट 64 किलोमीटर पर आर जो उसका कार का मालिक है वो 64 किलोमीटर पर आर की स्पीड से क्या कर रहा है उसके पीछे भाग रहा है पकड़ने के लिए बोला गया है कि चोर कब पकड़ जाएगा ध्यान से सुनो भाई चोर कब पकड़ जाएगा यही बात पूछा गया है कैसे करेंगे हम लोग ध्यान से सुनो यहाँ पर बोला गया है ये 42 किलोमीटर की स्पीड से कौन भाग रहा है चोर भाग रहा है ऑनर किसी स्पीड से भाग रहा है जल्दी बताओ 64 की स्पीड से भाग रहा है तो चोर के पीछे ही तो ऑनर भागेगा इसका मतलब डायरेक्शन क्या है सेम है लेकिन ये हमारे पास कितना है भाई 920, 920 और यहाँ पर ये ऑनर को कब पता चला 1015 फिफ्टीन पर पता चला है नौ बजकर बीस मिनट पर तो उसने कार को चुराया और दस पर ऑनर को पता चला क्लियर है ना तो बच्चे कितना टाइम तक चोर भाग गया होगा कितना टाइम तक भागा होगा देखो 20 और 30 कितना होता है हमारे पास 50 और ये कितना हो जाएगा 55 55 मिनट तक 55 मिनट तक चोर ने आराम से गाड़ी को चलाया होगा कितना मिनट तक 55 मिनट तक बेटा चोर ने क्या गाड़ी को बहुत आराम से चलाया होगा मुझे लगता है यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है नहीं अच्छा देखो फिफ्टी मिनट तक चलाया होगा किस स्पीड से यह हो जाएगा हमारे पास फोर्टी हो जाएगा 42 टू इंटू मिनट इसको हम लोग घंटे में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा इतना दूरी उसने कवर कर लिया कितना दूरी 42 टू इंटू और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहां पे 60 हो जाएगा क्वेश्चन में बोला गया है कि अब ऑनर ने उसको पकड़ने की कोशिश किया और ऑनर कब भागा दस बजकर पंद्रह मिनट पर आनंद ने उसके पीछे गाड़ी लगा दी और देखो दस पंद्रह पर चला किस स्पीड से चला सिक्सटी फोर बेटा दोनों एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम ये कह सकते हैं सर यह है हमारे पास सिक्सटी फोर माइनस फोर्टी टू इसी स्पीड से तो आनर आगे निकलेगा यह हो गया चार में से दो गया हो गया हमारे पास सिक्स सॉरी फोर में से टू गया हमारे पास कितना हो गया टू और छः में से चार गया कितना हो गया हमारे पास ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू की स्पीड से उसको आगे पकड़ेगा तो हमारे पास इसका आंसर कितना होना चाहिए एलेवन टू जा ये हो गया हमारे पास फाइव फाइव वन जा ये कितना हो जाएगा हमारे पास जल्दी बताओ ट मुझे लगता है यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आगे की बात करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये फोर्टी टू डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बारह दुनिया चौबीस कुछ गलत तो नहीं कर दिया क्या यहाँ पे हो गया फोर्टी टू इंटू फिफ्टी फाइव डिवाइड बाई सिक्सटी फिफ्टी फाइव डिवाइड बाई सिक्सटी ग्यारह पंचे पचपन और बारह पंच साठ या ग्यारह पच्चीस पचपन ग्यारह दो ना बाईस ये हो जाएगा पाँच ये हो गया बारह ठीक है भाई ये हो गया कितना फोर्टी टू डिवाइड बाई ट्वेंटी फ़ोर फोर्टी टू डिवाइड बाई ट्वेंटी फोर हमारे पास आ गया यानी इतना टाइम लगना चाहिए अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा किससे कैंसिल कर दें हम लोग तीन से कैंसिल कर दिया ये हो गया हमारे पास फोर्टीन और ये कितना हो जाएगा हमारे पास एट अगेन सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा फोटीन डिवाइड बाई एट ये हो जाएगा कितना 24 24 दो सत्ते चौदह और दो चौक आठ दो सत्ते चौदह और दो चौक आठ आगे की बात करेंगे तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसको हम लोग सिक्सटी कर दें क्या अगर इसको मैं सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास मिनट पता चल जाएगा पोरवंजा ये हो जाएगा हमारे पास कितना पंद्रह चौके साठ पंद्रह सत्ते एक सौ पाँच एक सौ पाँच मिनट के बाद में एक सौ पांच मिनट के बाद में वो जो ऑनर है उस चोर को पकड़ लेगा बेटा कितने मिनट के बाद पकड़ लेगा 105 मिनट के बाद पकड़ लेगा 105 मिनट को अगर हम लोग घंटे में चेंज करेंगे 105 मिनट को अगर हम लोग घंटे में चेंज करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 60 और यहाँ पे कितना बचा 60 प्लस फोर्टी फाइव सिक्सटी प्लस फोर्टी हो जाएगा यानी एक घंटा पैंतालीस मिनट के बाद जो ऑनर है वो चोर को पकड़ लेगा कितने देर के बाद पकड़ेगा एक घंटे पैंतालीस मिनट के बाद पकड़ेगा ऑनर कब स्टार्ट किया चलना जल्दी बता बेटा ऑनर कब स्टार्ट किया है चलना दस पंद्रह ये हो गया टेन आर फिफ्टीन मिनट यहाँ पे चलना स्टार्ट किया था पीछे वाले से हमेशा ऐड करते हैं इसमें कितना ऐड कर दूँ मैं इसमें कितना वन आवर्स कितना मिनट कहाँ पर लिख दिया मैं वन आवर फोर्टी मिनट वन आवर फोर्टी फाइव मिनट तो देखो ध्यान से बेटा ये हमारे पास हो गया सिक्सटी और ये क्या हो गया दस और ये ग्यारह ये हो गया हमारे पास सिक्सटी सिक्सटी मिनट का मतलब ही क्या होता है एक घंटे और ग्यारह हमारे पास पहले है तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा बारह बज जाएगा बारह बजे जो चोर है वो पकड़ जाएगा ऑनर पकड़ लेगा चोर को किसी बच्चे को, को कोई समस्या तो नहीं है किसी बच्चे को अगर कोई समस्या है तो प्लीज बताइए मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को बता दूं थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है दोबारा से देखो क्या करना है नाइन हंड्रेड ट्वेंटी पी एम पर सॉरी नाइन ट्वेंटी पीएम पर चोर ने कार को चुराया और दस बजकर पंद्रह मिनट पर ऑनर ने उसको पकड़ना स्टार्ट किया ये चोर चुरा करके भाग गया बयालीस की स्पीड से तो कुछ भी नहीं करना है 64 से आप 42 को कम कर दो वही रिलेटिव स्पीड आ जाएगी और आप ये डिस्टेंस कवर कर लो कि भैया हमारे पास जब नौ बजकर बीस मिनट पर जब वो गाड़ी चुराया और इसको पता चला तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने समय का है आप बोलोगे सर फिफ्टी मिनट का समय है तो 55 मिनट का जो समय है उसमें जो चोर है वो कितना आगे निकल जाएगा उसकी स्पीड कितनी है 42 तो 55 को मैंने क्या कर दिया सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ गया 42 टू इंटू डिवाइड बाई सिक्सटी इतना डिस्टेंस आगे निकल जाएगा 22 से डिवाइड किया क्यों क्योंकि 22 हमारे पास क्या है रिलेटिव स्पीड है अगर आप चाहो तो इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो लेकिन मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाती थोड़ा सा और टफ हो जाता इसलिए मैंने इसको सॉल्व भी नहीं किया आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन ये है प्लीज देखिए ध्यान से बहुत ही अच्छा प्रश्न है यूपीएससी ने पूछा था कब पूछा है इसको के पेपर में में 2013 बेटा पूछा है यूपीएससी ने सी के पेपर में 2013 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में बोला गया है ट्रेन ट्रेवल्स एट सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ सेवेंटी किलोमीटर बोला गया है स्पीड ऑफ सिक्स किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड देखो कोई बात नहीं ध्यान से सुनो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक डिस्टेंस को एक ट्रेन है जो कवर कर रही है वो डिस्टेंस कितनी है सिक्सटी थ्री किलोमीटर है और हमें स्पीड नहीं पता तो मैंने एस लिख दिया प्लस क्या बोला गया अगला जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको कवर किया सेवेंटी किलोमीटर जो सेवेंटी किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया उसको कवर किया है सिक्स किलोमीटर पर आर की स्पीड जो है पहले की स्पीड थी उससे बढ़ा दिया तो अभी कितना हो जाएगा एस प्लस सिक्स और जो फाइनल बोला गया ओरिजिनल जो उसको टाइम लगा बेटा वो कितना लगा हमारे पास थ्री लगा जो ओरिजिनल टाइम लगा वो हमारे पास क्या लग जाएगा थ्री लग जाएगा क्वेश्चन का मीनिंग समझ पाए क्या क्वेश्चन में बोला गया है एक ट्रेन है जो सिक्सटी किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको एक सर्टेन स्पीड से कवर किया 63 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको कैसे कवर किया सर्टेन स्पीड से कवर कर लिया है आगे बोला, लिया। आगे बोला बोला सर्टेन स्पीड स्पीड मैंने मान लिया किलोमीटर अगर उसने अपनी को बेटा इंक्रीज कर दिया सिक्स किलोमीटर की स्पीड जो है वो ट्रेन की क्या हो गई इंक्रीज हो गई तो वहां पे उसने सेवनटी टू किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है और हमारे पास जो टोटल टाइम लगा वह हमारे पास कितना लग जाएगा थ्री लग जाएगा अब ध्यान से सुनो तो बोला जो उसकी ट्रेन की स्पीड है वो क्या है अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो एस एस प्लस सिक्स एल ले लेंगे आगे सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होता है और आप लोग जो कि सी साइड का पेपर दे रहे हैं उसमें क्वारिटी क्वेश्चन का मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा रोल है इसलिए हम लोग वो वाला अप्रोच नहीं करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे ऑप्शन मेथड पे जाएंगे यहाँ से ऑप्शन से कोई ऐसी वैल्यू पुट कर लो कि जो आपका आंसर बन जाए मैंने बोला अगर यहाँ पे बेटा ट्वेंटी थोड़ी देर के लिए पुट करते हैं यहाँ पे मैंने ट्वेंटी पुट कर दिया अगर मैं यहाँ पे ट्वेंटी पुट करता हूँ तो ट्वेंटी पुट करूंगा तो सिक्सटी और ट्वेंटी फोर यहाँ पर हो जाएगा देखो जल्दी से सिक्सटी डिवाइड बाई ट्वेंटी प्लस सेवेंटी टू डिवाइड बाई ट्वेंटी फोर और सिक्स कितना होता है हमारे पास हो जाएगा कितना थर्टी डिवाइड प्लस थ्री बराबर में थ्री तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो थ्री आएगा आप बोलोगे सर थ्री नहीं आएगा इसलिए जो पहला ऑप्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा चारों ऑप्शन आप चेक करोगे उसके बाद में कोई एक ऑप्शन सही होगा अब मुझे लगता है थर्टी थ्री करेंगे तो थर्टी थ्री एक ऐसा डाटा है जो इसमें से कटेगा ही नहीं तो थर्टी थ्री भी नहीं हो सकता है अच्छा ये वाला ऑप्शन एक बार चेक करते हैं ये वाला ऑप्शन चेक करोगे बेटा क्या हो जाएगा जल्दी बताओ ये हो गया 63 डिवाइड बाय 42 ये प्लस क्या हो जाएगा 72 डिवाइड बाय 42 में सिक्स ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 48 हो जाएगा ये बराबर में थ्री आना चाहिए अगर थ्री आ जाता है तो इसका मतलब ठीक है कैसे कैंसिल करेंगे देखो ध्यान से ट्वेंटी वन थ्री जा ट्वेंटी वन टू जा इस इधर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ट्वेंटी फोर थ्री जा ट्वेंटी फोर टू जा ये हो जाएगा हमारे पास देखो कितना बन जाएगा थ्री डिवाइड बाई टू प्लस थ्री डिवाइड बाई टू देखो थ्री और थ्री कितना हो जाएगा सिक्स डिवाइड बाई टू सेटिस्फाइड कर गया इसका मतलब जो ऑप्शन सी है ऑप्शन नंबर सी बच्चे इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर सी क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है ये क्वेश्चन देखिए प्लीज बेटा ये क्वेश्चन है यूपीएससी ने पूछा था पूछा है ट के पेपर में 2013 में पूछा है यह क्वेश्चन यूपीएससी ने सी के पेपर में 2013 में पूछा है देखिए कैसा क्वेश्चन है प्लीज देखिए ध्यान से क्वेश्चन में बोला गया है अ अ पर्सन कैन वॉक सर्टेन डिस्टेंस एंड ड्राइव बैक इन सिक्स आर ड्राइव बैक इन सिक्स आर एक आदमी है जो एक डिस्टेंस को कवर किया और वापस आ गया कितने घंटे में आ गया भाई सिक्स आर में आ गया देखो अ पर्सन कैन वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस अ पर्सन कैन वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड ड्राइव बैक इन सिक्स आर ठीक है देखो मैंने बोला आपको ये हमने बोल दिया कि वॉक है वॉक को मैंने डब्लू लिख दिया और उसके बाद में बोला गया कि ड्राइव और यहाँ पे हमारे पास जो टाइम लगा वो कितना लग गया हमारे पास सिक्स आर लग गया मुझे लगता है यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है उसके बाद क्या बोला गया ही कैन आल्सो वाक बोथ वेज ही कैन ऑल्सो walk बोथ बेस अच्छा क्या कर दिया तो उसको टेन आवर्स लगा यानी डब्लू प्लस डब्लू तो हमारे पास उसको क्या लग गया हमारे पास टेन आवर्स लग गया हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव बोथ बेस अगर वो दोनों तरफ ड्राइव करके जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा दोबारा से प्लीज क्वेश्चन को देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है बोला गया है एक आदमी है जो पहले वाक करके गया और वापस आया ड्राइव करके तो उसको सिक्स आवर्स का टाइम लगा अगर वो दोनों तरफ वॉक करके जाए तो उसको कितना टाइम लग गया हमारे पास जल्दी बताओ बच्चे टेन लग गया उसको कितना टाइम लग जाएगा हमारे पास टेन लग जाएगा तो पूछा गया है कि अगर वो दोनों तरफ ड्राइव करके जाए अगर वो दोनों तरफ कहीं ना कहीं ड्राइव करके जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा अगर वो दोनों तरफ ड्राइव करके जाएगा तो उसको सॉरी तो उसको कितना टाइम लगेगा उसको पूरी डिस्टेंस को कवर करने में अब ध्यान से सुनो हम लोग कैसे करेंगे यहाँ से हम ये कह सकते हैं सर ये टू डब्लू बराबर क्या हो जाएगा टू डब्लू बराबर टेन है तो W बराबर कितना हो जाएगा जल्दी बताइए W बराबर हो जाएगा हमारे पास फाइव W बराबर कितना हो जाएगा फाइव मैंने W की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो यहाँ पर यह हो जाएगा क्या फाइव प्लस डी बराबर में कितना हो जाएगा सिक्स बेटा D की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी बताओ हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ जाएगी D की वैल्यू हमारे पास वन आ जाएगी अब पूछा गया है कि जो हमारे पास अगर डी की वैल्यू वन आ गई डी की वैल्यू वन आ गई तो दोनों तरफ अगर हमारे पास वो डी से जाता है यानी दोनों तरफ अगर वो ड्राइव करके जाता है तो कितना टाइम लगेगा एक तरफ अगर डी लग गया तो दोनों तरफ अगर जाएगा तो कितना लग जाएगा टू लग जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा क्या टू इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जवाब है वो हमारे पास क्या हो जाएगा टू आर्स ये हो जाएगा आंसर अरे भैया डी की वैल्यू एक आ गई ना एक तरफ से अगर ड्राइव करके गया तो वन लगा तो दोनों तरफ से आएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास टू आ जाएगा क्वेश्चन में यही तो बोला गया हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव बोथ बेस्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास टू आर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने पूछा था 2012 में यूपीएससी ने 2012 में पूछा था सी सेट के पेपर में देखिए कैसा क्वेश्चन है आ, आसान सा प्रश्न है बस थोड़ा सा लैंग्वेज का गेम है बेटा ध्यान से सुनो देखो कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन में बोला गया है मिस्टर कुमार ड्राइव्स टू वर्क एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आर द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 60 परसेंट ऑफ़ द डिस्टेंस एट इच 10 मिनट मोर अच्छा देखो ध्यान से टोटल हमारे पास कितना परसेंट होता है हंड्रेड इसमें से पहले हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर कर दिया ये 60 परसेंट कवर किया तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये 40 डिस्टेंस हमारे पास रिमेनिंग हो जाएगी अच्छा यहाँ पर जो इसका जो डिस्टेंस का जो परसेंटेज है बेटा गैप वो कितना परसेंट आएगा हमारे पास 20 परसेंट आ गया इसका जो हमारे पास आ गया कितना परसेंट आ गया ट्वेंटी आ गया और बोला गया है कि ए, क्या बोला गया टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट सिक्सटी डिस्टेंस इज टेन मिनट मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस हाउ फार इज हिज ऑफिस हाउ फार इज हिज हज उसका जो ऑफिस है वो हमारे पास कितनी दूरी पर है अब देखो ध्यान से मैंने बोला कि जो ट्वेंटी परसेंट डिस्टेंस है इसमें कितना टाइम लगता है उसको इसकी वजह से यह हमारे पास टेन मिनट मोर लगा तो हमारे पास हंड्रेड परसेंट बताओ जल्दी से इसको मैं फाइव से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हंड्रेड परसेंट डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास बोलो जल्दी से 50 मिनट आ गया 100 परसेंट डिस्टेंस को कवर करने में कितना मिनट आ गया 50 मिनट किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है कोई बात नहीं दोबारा बताता हूँ एक बार प्लीज दोबारा से देखिए फिर से बताता हूँ मैंने बोला ये हमारे पास हो गया क्या बच्चे सिक्सटी हो गया और ये 40 इनका गैप कितना आया ट्वेंटी परसेंट में कितना एक्स्ट्रा लगा जल्दी बताओ यहाँ पे टेन मिनट लगा ये हमारे पास 100% टोटल डिस्टेंस होती है तो इसको फाइव से मल्टीप्लाई किया तो हंड्रेड हो गया बच्चे इसको भी फाइव से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा फिफ्टी मिनट लगेगा हमें क्या चाहिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस इज क्या होता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम स्पीड बेटा दिया गया है कितना 48 किलोमीटर पर आर 48 किलोमीटर पर आर दिया गया है ना स्पीड और हमारे पास टाइम यहाँ पे कितना है 50. टाइम हमारे पास कितना है फिफ्टी इसको घंटे में चेंज करेंगे सिक्सटी से डिवाइड कर दिया जीरो से जीरो कैंसिल सिक्स एट जा एट फाइव जा कितना हो जाएगा हमारे पास फोर्टी फोर्टी किलोमीटर आपके क्वेश्चन का क्या है बेटा करेक्ट जवाब है वही चीज ऑप्शन नंबर बी जो ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बच्चे बिल्कुल करेक्ट जवाब है किसी को कोई समस्या तो नहीं है प्लीज बताओ अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताओ कोई नहीं आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो ध्यान से क्वेश्चन में बोला गया है ये नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है ये वाला जो क्वेश्चन बेटा यूपीएससी ने टू थाउजेंड एलेवन में पूछा था कब पूछा है दो हजार ग्यारह में सी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है देखो ध्यान से बोला गया है थ्री पर्सन स्टार्ट वॉकिंग टूगेदर एंड दियर स्टेप्स मेजर फोर्टी सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर बेटा फोर्टी सेंटीमीटर आगे बोला गया है फोर्टी टू सेंटीमीटर फोर्टी टू सेंटीमीटर एंड फोर्टी सेंटीमीटर कितना 45 सेंटीमीटर ठीक है ना व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस टू इन कम्प्लीट स्टेप मिनिमम डिस्टेंस कितनी है जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जब मिनिमम की बात करेगा बेटा तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना यानी क्या लेना पड़ेगा इसका एलसीएम लेना पड़ेगा क्या लोगे बच्चे इसका एल्शियम ले लोगे आपका आंसर आ जाएगा अब एल्शियम निकालने का बहुत सारे अप्रोच होते हैं एल्शियम निकालने के आप जानते होंगे लेकिन थोड़ा सा अच्छा अप्रोच अच्छा 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 मैं आपको बता देता हूं अच्छा अप्रोच अच्छा क्या है बेटा कि इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट प्राइम फैक्ट्राइजेशन करेंगे प्राइम फैक्ट्राइजेशन कैसे कर सकते हैं इसको मैं फोर्टी को क्या लिख सकता हूँ टू फोर्टी को बेटा क्या लिख सकता सब लोग प्लीज बोर्ड पर ध्यान से देखते जाओ फोर्टी को क्या लिख सकता हूँ टू टू इंटू टू 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 जब फोर फोर टू जा कितना होता है एट एट को फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो जाएगा हमारे पास फोर्टी हो जाएगा आगे की बात करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास टू इन टू थ्री इन टू में क्या हो जाएगा सेवन अगेन बेटा क्या हो जाएगा थ्री थ्री जहा नाइन नाइन को फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास फोर्टी फाइव हो जाएगा एलसीएम निकालने का मैं स्मार्ट अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुनो ये हो जाएगा हमारे पास टू 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 इंटू फाइव ये मैंने क्या कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको मैंने चेंज कर दिया बेटा अब आपको क्या देखना है कि तीनों में देखो कि कौन सबसे ज्यादा है टू कितनी बार है यहां पे थ्री सबसे ज्यादा है तो लिख लो टू की पावर थ्री क्या लिखोगे बेटा टू की पावर थ्री इन टू थ्री देखो कितनी बार है यहां पे वन यहां पे वन यहां पे है ही नहीं लेकिन थ्री वन बार लिख लोगे क्योंकि देखो मैक्सिमम लेना होता है तो मैक्सिमम है कम से कम एक है तो यहां पे देखो उसके बाद क्या हो गया फाइव हमारे पास वन टाइम्स एंड सेवन हमारे पास कितना है बेटा वन टाइम्स है नहीं थ्री तो हमारे पास टू टाइम्स है ना थ्री हमारे पास क्या है बेटा टू टाइम्स है थ्री हमारे पास क्या है टू टाइम्स है फाइव वन टाइम्स एंड सेवन हमारे पास वन टाइम्स है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एट इंटू नाइन इंटू फाइव इंटू सेवन यही हमारे पास क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा एट इंटू नाइन इंटू फाइव इंटू सेवन ध्यान से देखो कितना हो जाएगा ये हमारे पास सेवेंटी टू सेवेंटी टू और ये कितना हो जाएगा बेटा थर्टी फाइव सेवेंटी टू और थर्टी फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अब मल्टीप्लाई थर्टी फाइव का तो सबका किसी को टेबल तो याद नहीं है तो हम लोग जो छोटी क्लास में आपको तरीका सिखाया गया है वैसे मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं बेटा लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो शॉर्ट एग्जाम में जब आप जाते हो तो उस प्रेशर के चक्कर में जो शॉर्टकट की ट्रिक्स होती है वो सारी की सारी ट्रिक्स आप लोग भूल जाते हो इसलिए हमने क्या करना है कि जब कभी भी ऐसा प्रेशर आए या जब कभी भी एग्जाम आए तो जो हमारे पास सबसे या तो बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाओगे तभी कर पाओगे अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि वो शॉर्टकट आपको याद रह जाएगा जो आसान अप्रोच है जो छोटी क्लास में आप सीखते आए हो वैसे कर लोगे डायरेक्ट आंसर बन जाएगा देखो करके मैं दिखाता हूं फाइव टू जा कितना हो गया हमारे पास टेन और फाइव सेवनजा कितना हो गया थर्टी फाइव थर्टी फाइव और ये कितना हो गया हमारे पास थर्टी सिक्स ये हो जाएगा हमारे पास थ्री टू जहा सिक्स और थ्री सेवनजा कितना हो गया ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन आगे की बात करते हैं ये हो जाएगा हमारे पास जीरो छः और छ कितना हो गया बारह ये हो गया तीन और एक चार और ये कितना हो जाएगा हमारे पास टू फोर टू जीरो एक मिनट छः और छः बारह तीन और एक चार चार और एक कितना हो जाएगा हमारे पास फाइव कितना हो जाएगा बेटा फाइव हो जाएगा ये हो जाएगा टू फाइव टू जीरो टू फाइव टू जीरो देखो ध्यान से यानी टू फाइव टू जीरो हमारे पास क्या आ गया टोटल ये आ गया बेटा टू फाइव टू जीरो ये टोटल आ गया हमारे पास क्या सेंटीमीटर ये हमारे पास क्या आ गया टोटल सेंटीमीटर आ गया इसको हम लोग क्या करेंगे हज़ार से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी फाइव मीटर 20 सेंटीमीटर 25 मीटर ट्वेंटी बहुत सारे बच्चे यहां पर आने के बाद भी क्वेश्चन नहीं कर पाए तो बच्चे क्या करना था यहाँ पे फिर से आपको मीटर में क्या करना था कहीं ना कहीं चेंज करना था आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे ये तो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे ये वाला क्वेश्चन देखिए प्लीज क्वेश्चन देखिए बच्चे ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने पूछा है सीसेट के पेपर में कब पूछा था 2011 में यह क्वेश्चन यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में पूछा है हम लोग ट्राई करते हैं देखिए देखिए ध्यान से प्लीज बोला गया है इफ अ बस ट्रेवल्स 160 किलोमीटर इन फोर आवर्स 160 किलोमीटर इन फोर आवर्स देखो भाई 160 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है उसको कितने घंटे में कवर कर दिया फोर आवर्स में कवर कर दिया एंड अ ट्रेन ट्रेवल्स 320 की जो किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको फाइव आवर्स में कवर कर दिया पूछा गया है विद द यूनिफाम स्पीड देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम इन वन आवर्स एक घंटे में उन्होंने कितना कितना डिस्टेंस कवर कर दिया कोई दिक्कत नहीं अगर चार घंटे में एक की डिस्टेंस कवर की चार घंटे में एक तो इसको डिवाइड कर दो ये कितना हो जाएगा हमारे पास फोर्टी और इसको डिवाइड कर दिया कितना हो जाएगा पाँच छः और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास ट्वेंट टू और पाँच चौक बीस ये हो जाएगा उसके बाद में फिर से इसको कैंसिल कर देते हैं किस नंबर से कैंसिल कर दूँ एट से एट फाइव जा और एट एट जा फाइव रेशियो एट फाइव रेशियो एट, एट हुई चीज ऑप्शन नंबर बी बच्चे जो ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है देखो कितना आसान सा प्रश्न है कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है क्या बोला गया 160 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने चार घंटे में कवर किया तो एक घंटे में तो आप बता ही सकते हो सर कितना कवर करेगा डिवाइड बाय फोर अगेन बोला गया 320 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया कितने समय में फाइव डिवाइड बाई सीधा फाइव कर दिया हमें पता चल गया एक घंटे एक में कितना कवर करेगा और उसका रेशियो ले लिया डायरेक्ट आंसर आ गया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे तो देखो बेटा सारे क्वेश्चन हो गए और आज की क्लास में इतना ही हम लोग करेंगे जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर में जितने भी सी के क्वेश्चन आए हुए हैं मैं इसके उस सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस कर दिया और मुझे लगता है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे अगर किसी बच्चे को कोई डाउट्स है तो अभी जल्दी से आप लोग पूछ लीजिए फिर हम लोग आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करेंगे किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है तो आज के लिए इतना ही बेटा हम लोग अग, मिलेंगे अगली क्लास में यानी कल मिलेंगे कल मिलेंगे अगले चैप्टर की पर <coughs> कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे और नेक्स्ट चैप्टर में सेम चीज करेंगे जैसे अभी तक मैं करते आया हूँ लास्ट फिफ्टीन ईयर के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा तो आप लोग क्या करिएगा कि जितना अभी तक कराया जा रहा है उतना आप कर लोगे तो हंड्रेड परसेंट मुझे लगता है कि सी सेट के जितने क्वेश्चन हैं जितने उसमें कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे आपसे हो जाएंगे सारे के सारे कंसेप्ट आपसे क्लियर हो जाएंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम लोग बेटा अगली क्लास में थैंक यू